मेरा नाम श्रेनु है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे बैटमैन, आयरन मैन, ही मैन देखना बहुत पसंद है और लव सॉन्ग तो बस पूछो ही मत। श्रीनु, ये सब क्या सुन रहा है? स्कूल नहीं जाना, चलो रेडी हो जाओ। मेरे डैडी अरेंज मैरिज के मारे हुए, नो लव फीलिंग्स। खुशी भी अब नाम है बस तेरे, दिल तेरी ओर चला। मेरे फ्रेंड्स, हाय हाय, ये मेरी सिस्टर, हाय दोस्ती है, हट है वास्ते बस तेरे, मेरे प्यार का तू सिला, मंजिल है तू ही और तू ही रास्ता, तेरा मेरा है क्या जन्मों का वास्ता। हेलो, सादा हीरो मत बन। मंजिल है तू ही और तू ही रास्ता, तेरा मेरा है क्या जन्मों का वास्ता। दिल खोया दिल खोया दिल खोया लगा प्रेम रोग, दिल खोया दिल खोया दिल खोया लगा इश्क रोग। दिल खोया दिल खोया लगा प्रेम रोग, दिल खोया दिल खोया दिल खोया लगा इश्क रोग। ले लो। मान गए। दिल खोया दिल खोया लगा प्रेम रोग, दिल खोया दिल खोया दिल खोया लगा इश्क रोग। शीनु, क्या तुम वसु का इंतजार कर रहे हो यहाँ? वसु तो अपने पापा के साथ गांव में शिफ्ट हो गई है। क्या कह रही हो, मेरे लिए कुछ बोला क्या उसने? हाँ बिल्कुल बोला ना, उसने बोला कि मैथ्स बुक तुम गिरिजा को जाकर रिटर्न कर देना। क्या वो अपनी मर्जी से गई है वहाँ? मर्जी से क्या मतलब, वो तो खुशी खुशी गई है। बाय बाय। रोज बस से तुझे बाय बोलती थी और आज गाँव गयी तुझे बाय भी नहीं बोला, लड्डू खिला के डड्डू बना गयी तुझे। और उसकी वो नकचड़ी छोटी बहन, ए उसको बोलना उससे मेरी बहन क्या कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, भूल जाए उसे, बाय। फ्रेंड्स चलो सारे हाथ मिला। हाँ। कि अगर तुम्हें कभी किसी से प्यार करना है तो पेड़ों से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो, कुत्ते बिल्ली अपने पड़ोसी अंकल से प्यार करो। और आंटी, आंटीज भी लेडीज हैं और आंटी हमारे लिए आंटी है और आज से सारी लेडीज हमारी एनिमीज है। जब श्रीनु बचपन में ऐसा था तो उसके बड़े होने पर सोचिए आसपास की लड़कियों का क्या हाल होगा। महादेव शंकर, महादेव शंकर, लक्ष्मीपति सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, पहाड़ों वाली शेरा वाली माता, शेरा वाली माता। इन तीनों की पूजा करने के बाद ये इकलौता पुत्र रत्न मिला है हमें।
कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे काटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। झोली फैला कर मांगो मम्मी। बेटा प्लीज मेरे पुत्र को बख्श दो श्रीनु। इसे काट कर स्विगी से दूसरा मंगा लूंगा। पुत्र रत्न कोई चिकन लॉलीपॉप थोड़ी जो ऑनलाइन मंगा लूंगा, इसकी जान बचा लो। पर क्यों, इसने तरीके से पहचान वाली को प्रेग्नेंट कर दिया? दीदी इसने कसम तोड़ी, पहले हाथ मिलाकर बोला सारी लेडीज एनिमी है, उसके बाद उसी हाथ से आई लव यू का मैसेज भेजा। तूने श्रीनु के साथ धोखा किया है, अब तो तू गया, इसीलिए सारा का सारा किया धरा उस रोमांटिक गाने का है। रोमांटिक गाने का कैसे कैसे बे? दिल में गिटार टिन टिन करने लगा, बैकग्राउंड में सॉन्ग बज बज बजने लगा। मेरा दिल आपे में ना रहा, उसे मैसेज कर ही डाला। hey! अबे ये क्या, मुझे मरवाने के लिए गुंडे मंगवाए? नहीं तो, ये प्रोग्राम हमारे बजट के बाहर है। ये तो मेरी पिटाई करने आए हैं। जिस लड़की को मैसेज किया वो दरअसल पटेल की बेटी है, और हम सब किसी तरह उन्हीं से जान बचाकर भाग रहे थे। पता नहीं तुम कहाँ से बाइक को हेलीकॉप्टर बनाकर लैंड कर गए। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो, काम निपटाओ और कट लो। हाँ इसे अकेले नहीं पूरी फैमिली को निपटा दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तेरा कैच भी हिट और टीम भी सुपर हिट, और पटेल सर को हेलो बोला, खुश हो जाएंगे। चलो बाय 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 बाय। चलो पकड़े ने, चलो जल्दी जल्दी, जाने देता आ जल्दी और जल्दी जल्दी आओ। अरे यार ये बेटा, चलो श्रीनु है अपना फ्रेंड, एक्शन सीन्स में डिफरेंट है इसका ट्रेंड। कोई हैशटैग नहीं लगाता ये। ए, गांडो झके गंडा सा देकर बोला था काट दे इसको, अब तू उसे बचा रहा है, हो क्या रहा है? नानू भाई वो तो इसने लड़की को मैसेज कर दिया, इसलिए इसे डरा रहा था, सोसाइटी को मैसेज दे रहा था कि ऐसा करना गलत है, और वैसे भी इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। फिर धुलाई में हड्डी, मेरा मतलब कबाब में हड्डी काय को बन रहे हो? मेरा कैरेक्टर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बे। देख एक बार किसी को अपना मान लिया ना, फिर उसके लिए सी ऑलवेज रेडी, जान दे दूंगा। ये है साडा कैरेक्टर। अच्छा एम, और हमारा कैरेक्टर पता है तुझे, जो बीच में आया उसे बीच से काटता हूँ। जबान मेरी अक्खड़, हाथ मेरे सॉलिड लक्कड़, दिमाग गर्म पंजाबी दा, मुक्का मेरा धाकड़, लाइट कैमरा एक्शन। दर्द हो रहा है ना, जो बोएगा वही काटेगा। होना था हो चुका, अब सोचने से क्या फायदा। मम्मी पापा दीदी दादी चलो निकले यहाँ से। निकल मुझे गांव जाना है। हम शहर छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे सर। ए चुप कर, किसी के डर से हम क्यों भागे? डरना भी चाहिए, तुम्हारा पाला जिग्नेश पटेल से पड़ा है। एक बार बोल दीजिए, अपनी बेटी को यही काट दूंगा। क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्या बचपना है देवा, किस जमाने में है? आजकल के तो सारे बच्चे ऐसे ही है, तो तू सबको मारेगा क्या? वक्त के साथ आदमी को थोड़ा बदलना चाहिए। मेरी बात मान, इनकी शादी करवा दे। ये मैं नहीं कर सकता। सही बोल रहा हूँ, मान जा। लेकिन भाई ये बात मान ले तू मेरी। लेकिन भाई सुनिए, जो बोला चुपचाप कर। तेरी मौत आती देख एक आंसू नहीं बहाया तेरी बेटी ने, उसने जिसे तूने 20 साल पाला पोसा। ओ लड़की
तेरी शादी कराने में तेरा बाप बहुत नखरा कर रहा है। अगर उसको टपका दूं तो तू हंसी खुशी शादी कर सकती है। बोल टपका दूं? अरे बोल ना, तू हाँ बोल, या फिर इसको टपका दूं? अरे रे 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 रे। आने में धमकावे तो तू के भी डेरी गई, इतले ये बाप से बढ़कर हो गया तेरे लिए। ऐसा प्यार मुझे मंजूर नहीं है। तेरा प्यार पवित्र नहीं है। तेरा लगन उसी से होगा जिसे तेरा बापू बोलेगा, नहीं तो अलग काम में रख। नहीं मालिक, पापा जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी करूंगी। बचपन में बच्चा खाना नहीं खाता तो उसे चंदा मामा दूर के दिखाते हैं। जवानी में शादी करने से मना करने पर उनको मौत का डर दिखाना जरूरी हो जाता है। जिस बच्चे को छाती से लगाकर पालते हैं वही उस छाती पर लात मार कर जाता है तो कैसा लगता है वो जानू छू। जिग्नेश पटेल के आदमी इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इसका पता पूछने के लिए उन लोगों का मुझे भी फोन आया था। पटेल सर का बैकग्राउंड जाने बिना उनके बंदे ठोक दिए। सर आप तो उनको जानते हैं ना, एक बार फोन कीजिए ना प्लीज। माफी मिल जाए तो ये लोग शहर छोड़ देंगे प्लीज। हेलो सर, ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। उनसे बोलो आकर मुझे सॉरी बोल दे। सर असल में ऐसी बात है। तेरी बात मैंने सुन ली, जो कहा है वो कर। तुम्हें वहाँ जाकर सॉरी बोलने को कहा है? बोलने जाऊंगा सॉरी, हो जाएगा बोल हरी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉरी बोलने से उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो माफ कर देंगे। इट्स फिक्स्ड। इम्पॉसिबल। ए, कौन है तू? मैं वो हूँ जिसके हाथ पर डर से कांप तो रहे हैं पर फिर भी बोलने को सॉरी आया हूँ, बहुत दूर से पकड़ के लॉरी। बाहर आपसे कोई मिलने आया है मालिक? यह है मेरा दोस्त पांडू और मैं उसका दोस्त झंडू। व्हाट्सएप इसी ने किया था। हाँ ये आपको सॉरी बोलने से डर रहा था तो हौसला अफजाई के लिए मैं भी साथ में आया, लेकिन मैसेज इसी ने भेजा था। हाँ बोल दे सॉरी बोल दे। सर सच कहूं तो इस सब के पीछे मेरी गलती नहीं है बल्कि गलती उस रोमांटिक गाने की है। अबे रोमांटिक गाने का क्या मसला है रे? एक घोंचू। अरे ओ तू फेंकेगा और हम क्या लपेटेंगे? इस गेंडे में ना म्यूजिक सेंस है ना कॉमन सेंस। मस्ती छोड़ चुपचाप सॉरी बोल। म्यूजिक कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तानसेन ने दिए जला दिए थे। नहीं जानते हो तो बाको मत। एक्चुअली उस दिन मैं स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका वेट कर रहा था। उस दिन आपकी बेटी को जाते देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, दिल धक धक धड़कने लगा, थिरकती उंगलियों ने मैसेज कर दिया सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी, सबको सॉरी। चलो दरवाजा बंद कर ही दो। सर डर के मारे पांव थिरक रहे हैं। मन की भावनाओं पर अपना बस ना होना डेंजरस साबित हो सकता है। मस्ती में आकर मेरी बेटी को मैसेज किया तूने, वो हाथ जिसने मैसेज किए वो हाथ काटने जरूरी है। कौमुदी हमना आवी पप्पा। Love is magic. Wow, architecture तो कमाल का है। इसके लिए एक बार क्या 100 बार मर सकता हूँ। ए सुन, पक्का इसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है ना? फीलिंग गई भाड़ में, जान अटकी है हलक में, आज से वो मेरी बहन है। पापा अबे ठंड रख। सर एक्चुअली मैसेज मैंने नहीं किया था, पांडू ने किया था। श्रीनु मैं आपको समझाता हूँ, ये है मैसेंजर, मैं हूँ मैनेजर। मैसेज इसने किया? ड्रामा करे छे। सर एक मिनट दीजिए, मेरा कैरेक्टर समझाता हूँ। नहीं समझा तेरा कैरेक्टर, हीरो का कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा ना। सर बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। 9th से ही लड़कियां हो या आंटीज, मेरे लिए सब एंटी। लव तो मेरे लिए नॉनसेंस था, पर जब से देखा है आपकी डॉटर चेंज हो गया है मेरा कैरेक्टर। नाउ आई फील कंप्लीटली बेटर। लव एट फर्स्ट साइट सर। हे सर 40 सेकंड्स लेटर।
खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर ये मेरी कहानी बता नहीं पाएगा। अब मजबूरी है सर, क्या करूं? मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, इसलिए खुद का स्टार्टअप शुरू किया। 1 ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अपने बिजनेस का इतना ख्याल रख सकता हूँ, सोचिए जिससे प्यार करता हूँ उसका कितना रखूंगा। एक बार अपने रुतबे और पावर को साइड में रखकर अपनी बेटी को बहुत प्यार करने वाले बाप की तरह सोच कर देखिए। आपकी कॉमेडी के लिए मैं करेक्ट बंदा हूँ सर, इस मास्टरपीस को मिस मत कीजिए। अगर आप हाँ कर देना, मैं पेरेंट से बात करके बारात ले आऊंगा सर। माय 1 मिनट इज ओवर, जल्दी मिलेंगे सर। अबे गेंडो, ऐसे क्यों घूर रहे हो बे? हम तो लड़के वाले हैं। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए ये संडे सही रहेगा ना? निकल ले। अहमदाबाद से लेकर पोरबंदर तक जिसका कानून चलता है, हुकूमत चलती है, उस पटेल की ताकत दिखाओ इसे। आपकी इतनी पावर और रुतबा होने के बावजूद भी अगर मैं आपकी गर्दन तक पहुंच गया तो जरा सोचिए मेरे अंदर कितना करेज होगा सर। मैं तो आपको सॉरी बोलकर यहाँ से निकल रहा था, पर आपने अपनी बेटी को बुलाकर स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया। सच कहते हैं लव इज मैजिकल, अब तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पागल हो गया है। अब ये हर पल धड़केगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ दिनों में जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो अपने पापा को दिल की बात बताने में टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ, आई लव यू। अच्छा सुन पांडू, और कुछ कहना है क्या? बस मरना चाहिए यही। अरे तू टेंशन मत ले, जा तू ऊपर जा, बस जैसे ही बोलू तू मार दियो जाम। कर क्या रहा है? हेलो कमिश्नर सर, बचाइए हमें। उभारो बता, वो लड़का मेरे घर में घुसा और घर में घुसकर मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल के गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मारी आबरू धोड़मा मड़ी जैसे। अबे खाओ यार, बहुत टेस्टी है। कितना बेशरम है तू, क्या बोल रहा था क्या बोलकर आया? एक बात पर टिक नहीं सकता क्या? अबे आदमी अपने पैरों पर टिकता है, बात पे कौन टिकता है यार? और ये पांडू कहाँ रह गया? तेरे इस झटके के बाद फैमिली वर्ल्ड टूर पे निकल गई। मतलब फैमिली सेफ हो गई? वो तो ऊपर से भी कूद के बच गया था, अब तू क्या करेगा? मैं भी कूद जाऊंगा बिल्कुल ऊपर से। एवरीवन प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड टू जंप। ईश, पर तुम हो कौन? डायरेक्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही कूद रहे हो। उरी बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करूंगा। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही पावरफुल पटेल है, और पटेल ही करके इस हैंडसम बॉडी वाले को पटकना, मेरा मतलब टपकाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा खुद टपक जाऊं। मैं तुम्हें ठीक बचा लूंगा, तुम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। आपके बोलने से क्या होगा? आप जिग्नेश पटेल की गारंटी लेते हैं क्या? है बिल्कुल पक्का। पक्का इनकी आंखें देखकर मेरी टांगे कांप रही है सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहीं से कूद जाता हूँ सर। बुरी बाबा आप ऐसे मत घूरिए, बच्चा है डर रहा है। ये बच्चा मैंने क्यों बोला बच्चे? ऐसा है सर, कोर्ट कचहरी भूल जाइए ना, यही सेटलमेंट कर लीजिए। आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जिग्नेश भाई को छुरा दिखाया, कॉमेडी को छेड़ता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। चोट बंद करो, तुम लोग किधर हो भूल गए? ये पुलिस स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारे बच्चे की पैंट गिली हो जाएगी। तुम दूर क्यों भाग गए? मैं हूँ ना। अच्छा तो ये बताओ मैटर क्या है? पहले तो ये हुआ सर कि पटेल सर मेरी बॉडी को देखकर जिम में पूरी तरह से मेरे ऊपर फ्लैट हो गए सर। फिर उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं चला गया क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है। पर फिर इन्होंने क्या? इन्होंने कहा कॉमेडी, और इनकी बेटी ने जवाब दिया हाँ आ रही हूँ पापा, और इनकी बेटी वहाँ आ गई। पर वो अपनी बेटी को क्यों बुलाएंगे भला? सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू सर। जब इनकी बेटी वहाँ पर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कैसी लगी मेरी बेटी। मैंने बोला बहुत सेक्सी है सर, मेरा मतलब मैंने उसे कहा बहुत क्लासिक है सर। इन्होंने बोला तो फिर शादी कर लो।
झूठड़ो छे सालो। मैंने बोला आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकता, पर इन्होंने तो चाकू निकाल लिया। चालाकी नहीं कर, इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे सामने मेरी लड़की को आई लव यू बोल दिया, यही ना? आई लव यू बोला क्या? इनके सामने इनकी बेटी को आई लव यू बोलूंगा तो आपको लगता है ये मुझे छोड़ेंगे? ये बात अगर इनके राइवल्स को पता लगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म एकदम सीक्रेट कॉमेडी बन जाएगी। उड़ी बाबा, मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? मेरे पास एविडेंस है सर, आप कन्विंस हो जाएंगे। देखिए एविडेंस नंबर वन। उड़ी बाबा, फूल जैसा शिशु को ऐसे भगाता है? एविडेंस नंबर टू, आप जरा पटेल सर का फोन चेक कीजिए। पटेल सर, जरा अपना फोन दीजिए ना। अभी दे। तो? इनकी बेटी कौमुदी मुझसे शादी करेगी नहीं, पूछ लीजिए। बेटा, क्या तुम इस हैंडसम राम प्रसाद से शादी करना चाहती हो? हाय। इससे शादी बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा आपने सर, इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती लेकिन ये जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। जबरदस्ती? माना आपको ऐसा दामाद चाहिए पर डोरा के शादी कराना ठीक ना है। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या मर्जी? सर एक्चुअली योग्य दामाद तो हर बाप को चाहिए होता है ना, पर ये इतने पावरफुल हैं कि मेरे ना बोलने पर इनका ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने मुझे मरवाने की ठान ली। पर ये बुजुर्ग है, मैं इनके इमोशन समझता हूँ। 10 दिन ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई कर से, ट्राई क्या करेगा? मेरा मतलब इनकी बेटी से प्यार करने का ट्राई करूंगा। अब अगर 10 दिनों में हम दोनों में सच में प्यार हो जाता है ना, और अगर इनकी प्रेयर्स ऐसे ही स्ट्रांग रहती है ना, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। इसने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया। अब अगर 10 दिनों में प्यार नहीं होता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई रिपीट सर, अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है ना, तो ये शादी कैंसिल। और अगर शादी नहीं होती है तो जिग्नेश पटेल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अग्रीमेंट करना होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए अग्रीमेंट लिख दूं मैं? गांडो थई गयो छे। मेरी बेटी की जिंदगी तो क्या सपने में भी आया ना तो जान से मार डालूंगा। जान से मार कर क्या मिलेगा? आप ये शादी नहीं चाहते, ये बच्चा भी नहीं चाहता, तो फिर ये झगड़ा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी आप नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। सुना सुदर्शन, तारातारी एग्रीमेंट रेडी करो। Okay. सुरिंदर सन ऑफ सुखदेव सिंह, कौमुदी डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल, अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोनों में प्यार नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अगर ये शादी ना हो, सुरेंदर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिग्नेश पटेल पूरे होशो हवाज में दस्तखत कर रहा हूं। सर बाहर मीडिया वाले पहुंच गए। ईश, मीडिया वाले भेजे का भरता बना देंगे। साइन कीजिए तारातारी। ये चाल चल रहा है, साइन मत कीजिए। आज जिग्नेश भाई फंसा है तब तक। ये वीडियो वायरल कर दूं क्या? मेरी बात मान ली, मैं तो कूद कर जान दे ही दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मरने दो। शुरुआत कर रहे हैं। खामोश। थैंक यू सर, अगले 10 दिन बहुत ध्यान से रहूंगा, उसके बाद मेरी सारी जिंदगी हैप्पी गो लकी। थैंक यू सो मच सर। ब्लेसिंग सर। ओके सर, बाय। चलो। मालिक, बेटी को 10 दिनों के लिए हैदराबाद मत भेजिए, यहीं कहीं छुपा दीजिए। शुरुआत करे छे, उसका स्विमिंग कंपटीशन है, 6 महीने से तैयारी चल रही है। जिग्नेश भाई आप कुछ तो बोलो। पटेल नी खोपड़ी तो सटकी गई। जिग्नेश भाई, मैं जानता हूँ वो लड़का एग्रीमेंट करके छिपने वालों में से नहीं है। उसने मेरे घर में घुसकर मेरे गले पर चाकू रखा, मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेटी को आई लव यू बोला। आई लव यू, मुझसे उस एग्रीमेंट पर साइन करवाया उसने। एनु मौत मारी नजर सामे थसे। मेरी बेटी को उससे प्यार होना चाहिए। हाँ? प्यार होना चाहिए, पर हमें तो उसे बदला लेना है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया जिग्नेश भाई। कौमुदी का प्यार उसकी मौत का कारण बनेगा। हवे भगवान पण इन्हें नहीं बचा भी सके। इस प्रोजेक्ट में एक ही प्रॉब्लम है, इस लैंड के बीच में एक लेक है, बिल्डिंग्स बनानी है तो लेक भरनी होगी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो भर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट शायद नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मान भी ले, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। एनवायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेवलपमेंट। तो फिर बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे? और क्या, हम 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनाएंगे और बिल्डिंग होगी राउंड शेप में, लेक भी बनी रहेगी और एरिया भी मिल जाएगा। लेक व्यू के लिए सेलिब्रिटीज लाइन लगाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर कौमुदी वाली प्रॉब्लम? लड़कियाँ 3 टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोली भाली सुशील कन्या, वही जो हमें गाँव में देखने को मिलती है, मतलब कौमुदी जैसी लड़कियाँ।
ऐसी लड़कियों को बाइक पर दो राउंड लगवाओ, मैटनी शो दिखाओ, फिर इवनिंग में पानी पूरी खिलाओ और प्रपोज करो, आराम से पटेंगी। अरे हट चिटपट। अबे ये देख कौमुदी, ये तो पानी पूरी टाइप की नहीं लगती, एक दो बिस्की जैसी है। लगता है ये लोग हमारी बैंड बजाने का प्लान बनाकर आए हैं। अगर ये मैप बनाकर आई है तो हमारे पास भी मास्टर प्लान है। 1, 2, 3 बोला यार। गर्ल्स, चलो गर्ल्स। मेरे शहर में आके मेरे डैड को चाकू दिखा के मुझे आई लव यू बोल के दरवाजा बंद करके अब भागम भाग खेल रहा है। ये नया अवतार भी कमाल है। अब तुझे क्या लगा ये भोली भारी कॉमेडी है जो अपने पापा की नन्ही मुन्नी गुड़िया है? तूने सोचा होगा इस सुशील कन्या को बाइक पर दो राउंड लगवाऊंगा, मैटिनी शो दिखाऊंगा, इवनिंग में पानी पूरी खिलाऊंगा और ऐसे मैं पट जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा, पर तुम तो पूरी टीम लेकर आई हो। अरे वो लेकर नहीं आई, खुद आया है लड़कों को पीटने के लिए। बहुत मजा आता है पीटने में। सुन बे, तू कितनी भी कोशिश कर यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अगर 2-4 सीटी लग जाना तो टांका भी फिट हो जाएगा और हमारी दाल भी गल जाएगी। टांका फिट करना ही होगा तो इससे कर लूंगी, इससे भी कर सकती हूँ, इस खोजू से भी कर सकती हूँ, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। उस दिन तूने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे सिर्फ 10 दिन में पटा लेगा। अब फुल फोकस कर मुझ पर। तूने कहा था सिस्टमैटिकली ट्राई करेगा। ट्राई कर, ऑल द बेस्ट बड़ी। ए, तुम तीनों को घोचू बोला? टाका फिट कर लूंगी ये भी बोला था। क्या पता चांस लग जाए। सर अब मॉल में क्यों आए हैं? हॉल में पिक्चर दिखाने लाए हैं क्या? हॉल में तुम ट्रेलर देख लेना, मॉल में पूरी पिक्चर वो देखो, हीरोइन की एंट्री। हाँ वहीं से मैंने भी लिया था। अब शुरू करता हूँ डायरेक्शन। हेलो सर। बेटा सीनू क्या कर रहे हो लल्ला? स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था सर, और राजमा चावल खा रहा था। सुशील, इसीलिए तो जिग्नेश पटेल इसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे एक काम था तुमसे, तुम साउथ वेस्ट मॉल आ जाओ, कॉफी पियेंगे और खोल के बातें करेंगे। दिल वो मुझे बोल रहा था। तुम लोग यहाँ कैसे? Hey, what a coincidence. क्या तुम यहाँ कॉफी पीने के लिए आई हो? और तुम यहाँ पे कब धोने आई हो? So, do you wanna join us? पांडू ने मैच स्टार्ट किया। शेरू ने आगे बढ़ाया। ट्रॉफी होगी सिर्फ हमारी। नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ? वो एक्चुअली क्या है ना सर, हम भी श्रीनु की तरह जोड़ी बनाने आए हैं, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। शादी के लिए कम से कम एक अच्छा दूल्हा चाहिए, तुम लोग के यहाँ फटा हुआ ढोल बजाने आए हो। चलो भागो, फिर किसी चोरी कहेंगे। शकल देख, जाए ऐसे। ऐसा है बेटी, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा चौकुर चलाओ जिससे श्रीनु उनका जमाई राजा बन जाए। मटर गस्ती कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, पापा की सोचो, उसे पैर की चशनी पिलाओ, मीठा चुम्मा दो, आई डोंट माइंड, वो तुम पर मंडा चाहिए बस। उसे थप्पड़ क्यों मारा? वजह मत पूछो, निशान पड़ा क्या तुम्हारे गाल पर? हेलो अंकल, मैं मॉल पहुंच गया, आप नहीं दिख रहे। बेटा देखो, कॉफी शॉप में मैंने टेबल नंबर 3 बुक करके रखी है, तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी लेट पहुंचता हूँ। ओके अंकल। ये अगर जिग्नेश का दामाद बन जाता है तो हम लोगों को भी फायदा मिलेगा। चल फटाफट तरातरी। ये क्या बकवास है?
ब्लैक कॉफी। फिगर मेंटेन करने के लिए बिना मिल्क शुगर के कॉफी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी हो ना परफेक्ट हो मेरे लिए, बस हैप्पी रहा करो। किससे लिखवाए हैं डायलॉग्स? मेरे लिए डायलॉग्स हैं। स्केच भी लेकर आए हो साथ में? स्केच? ऐसा लगता है तुम कोई प्लान बनाकर आए हो। नो प्लानिंग। तुमने ही कहा था ना प्लान से किसी को भी फंसा लोगे। वेयर इज द प्लान? ओहो, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। सही है बॉस, तो देर किस बात की, एक्शन शुरू करो। अब देखती जाओ, पूछेगा तुम लोग कौन हो। तुम लोग कौन हो? बोला था ना ये सारा सेटअप है। तुम तो मान लो। वाओ। ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। तू तो सच में सुपरमैन है। टाइम प्लीज। अबे तुम लोग यहाँ कैसे? जस्ट टू सपोर्ट यू। हाँ। तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग मुझे मारने आए थे ना? अरे ये तो पूरी पागल। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे हे कम ऑन। वो तो मैं मारने आ रहा है और तुम चुपचाप खड़ी हो। इस नकली एक्ट से इतनी ओवर एक्टिंग। अब बता मुझे ये नकली एक्ट है? तो ये टेबल नकली है। तुम्हें क्या लगता है फिल्मी स्टाइल से कमर पकड़ोगे तो मैं आई लव यू बोल दूंगी? लड़कियां ऐसे फिल्मी गिरी पर नहीं इंटेलिजेंस पर मरती हैं। लेट्स गो। अरे पर वो कौन थे? और कौन, उसके बाप के बंदे होंगे। हाँ। उसके बाप के बंदे मुझे मारेंगे ना अपनी बेटी को थोड़ी। सही कहा, उसने सोचा होगा कि कौमुदी को लगेगा ये तेरा प्लान है। मुझे लगता है जिग्नेश की यही प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग तो मेरे कैरेक्टर से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये सब छोड़, कौमुदी के दिमाग के बल का स्विच ऑन करना होगा। और स्विच है कहाँ? वसुंधरा? वसु? 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 श्रीनु ने पहचान लिया। श्रीनु तुम कैसे हो? क्या वसु, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? ऐसा नहीं है श्रीनु। पर तुम तो यूएस में थी ना। नेक्स्ट मंथ जाना है,
मैं वीजा के लिए हैदराबाद आई हूँ। और रुकी कहाँ पर हो? पास के होटल में। क्या होटल में रुकी हो? यहाँ अपना घर होते हुए तुम होटल में रुकी हो? होटल में मैं कंफर्टेबल हूँ। एक दूंगा ना हॉस्पिटल पहुँच जाओगी। अरे मैडम सुनो जी। क्या हुआ? किसी और को भी बुलाना बाकी है या हम अंदर आए? मैडम जी आपका बेटा बहू लेकर आया है। आरती की थाली लेकर आऊं? चुप कर तू। ये है मेरी प्यारी माँ। नमस्ते आंटी। मैं बिल्कुल इनकी तरह हूँ। हमेशा से ही इतनी खूबसूरत रही हैं। लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। और ये है मेरे डैड। He is a builder। नमस्ते अंकल। शीनू दादा। ये है लता दीदी घर की हेल्पिंग हैंड। बचपन से इन्होंने हम सबका पूरा ख्याल रखा है। नमस्ते आंटी। अरे वाह 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 एक काम वाली को भी नमस्कार। कितने चांगले तुम्हारे संस्कार। मुझे तो तुम भा गई। लता बेटा तूने तो हमें बताई नहीं कि ये कौन है। ये तेरी फ्रेंड ही है ना? उससे थोड़ी ज्यादा। नाम है वसुंधरा। बीटेक सीबीआईटी हैदराबाद। यूएस कॉन्सुलेट में आई है। यहाँ होटल में रुकी हुई थी। मैं जबरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। मेरा बेटा कभी कभी ऐसे अच्छे काम भी कर देता है। अरे लगेज कहाँ ले जा रही हो? इनका लगेज तुम्हारे रूम में रखना। मेरे रूम में क्यों ले जा रही हो? गेस्ट रूम में रखो। गेस्ट रूम में? बचपन से मैं इसी घर में हूँ। मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती? गेस्ट रूम में रखना है तो खुद रख लो। सर पर चढ़ा दिया। ओए रुक रुक रुक। ओए ठंड रख। पुत्र तुम्हें जितने दिन रहना है ना आराम से रहो। कोई टेंशन नहीं। चलो। यही आपकी बहू बनेगी 100%। हाँ ऐसा क्या? क्या जरूरत थी सिन्नू के फ्रेंड्स को रॉन्ग सिग्नल देने की तुझे? अरे बाबा बिस्किट डाल दिए थे। बिस्किट। हाय क्यूटी। हाय मैं मर जाऊँ। कॉमेडी एक इम्पोर्टेंट बात है। सिन्नू एक लड़की को घर लाया है। सच में वो कौन है क्यूटी? उसे स्विच बनाकर वो तुम्हारे प्यार का बल्ब जलाना चाहता है। ओके टेक केयर बाय। अब सब तुम्हारे हाथ में है। इस स्विच से ये लाइट बल्ब जलनी चाहिए। किससे मिला आपको? श्रीनू बेबी है। श्रीनू बेबी? हाँ वही। ओ पुत्र है? बेटा बोला तो रिश्ते में बाप लगते हो तुम। ये लड़की कौन है जी? इनको जी बुला रही हो मतलब मदर इंडिया ही होगी। ए मेरे घर डायरेक्ट कैसे पहुंच गए? क्यों तुम मेरे घर नहीं पहुंचे थे? कौमुदी वो स्विच बल्ब की क्या जरूरत थी जब मैंने कहा था फुल फोकस मुझ पर करो फिर भी तुम किसी दूसरी लड़की को घर ले आए? ओ मुझे जलाकर मेरे अंदर प्यार जगाना चाहते हो? ये यहाँ कैसे? मैं जलने वालों में से नहीं जलाने वालों में से हूँ। पर स्विच कहाँ है? स्विच? तुम्हें क्या लगता है मैं मॉकटेल पीकर आई हूँ? कॉकटेल। माइम साहब ये लड़की तो बियर के नशे में आई है। ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये छुरा रखकर गर्दन पर मेरे बाप की आई लव यू बोला मुझे पापी। अरे दादा इस पूजा पाठ वाले घर के होकर बियर पीने वाली से प्यार किया ऐसा कसम? ये आइटम कौन है? पूरा अंगार है। मस्त चीज है। मैं इस घर की नौकरानी लता बाई। तू काम वाली है तो फिर ऐसे घर के मामले में टांग क्यों अड़ा रही है? अबे तेरी तो तेरी टांग काट कर हाथ में दे दूंगी समझी? चल हट। मैडम इस वेडिंग क्वीन से बच के रहना। स्विच? ओ स्विच? ओ स्विच कहाँ गई? लेट मी सी। ओ स्विच बाहर आओ। चलो तुमको बता दूं इस लड़की को यूज करके मेरे जैसी हॉट लड़की को पटाने का थॉट टोटल वेस्ट। थोड़ा फ्रेश सोचो यार। इसको बोलो सिस्टम थोड़ा अपडेट करे। हाँ हाँ दस देंगे। क्यूट अंकल स्वीट अंकल। ब्लेसिंग्स। क्या हमारी होने वाली संस्कारी बहू को उस बियर वाली के बारे में पता है? पता चला तो? क्या हुआ कोई टेंशन है क्या? एक राउडी लड़की घर में हंगामा करके चली गई। राउडी लड़की नहीं राउडी बेबी। ओहो राउडी बेबी। हाँ तुमसे कुछ बात करनी है बाहर आओ। वो कौन है श्रीनू? ओहो शर्माए थे लड़की घर तक पहुंच गई मतलब
लव स्टोरी काफी आगे बढ़ गई है। अरे क्या आगे बढ़ गई, गांव से शुरू और शहर में खत्म, उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जी करता है कि वही है, बात कर लो। हेलो, मौसम अच्छा है इसलिए उस कलमू ही स्विच के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हो ना? अरे इसे कैसे पता चला? इस कौमुदी को तुमने अगर साइडलाइन कर दिया तो टॉर्चर करके जिंदगी नर्क बना दूंगी दोनों की। मेरा प्यार जीतो, मेरा प्यार जीतो, प्यार जीतो। क्या कह रही थी? मेरा प्यार जीतो। तुमसे कोई भी प्यार करेगी, एक बार ट्राई तो करो। Hola chica, hola hola chica, 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 hola chica na, what nonsense? Hello ladki, it makes sense. Hola yani hello, chica yani ladki. Itni si baat Hindi mein bolte to ho jata na. Hindi mein ise pehle hi ga chuke hain, isliye sir Spanish mein ga rahe hain. Chica, hola, hola, chica. Hola, chica, hola, hola, chica. Hola, chica, hola, hola, chica. Tu hai badi hi cute, Aishwarya Rai ki kasam. Hola, chica, hola, hola, chica. Hola, chica, hola, hola, chica. Le gayi tu dil ko loot, pehli nazar mein jaane man. Hola, chica, hola, hola, chica. Hola, chica, hola, hola, chica. Ishq mein pagal kiya tune. Hola, chica, hola, hola, chica. सा कर दिया तूने, खुद की खबर ना अब मुझको, सोचूं मैं हर पल बस तुझको। ओला चिका, ओला ओला चिका, 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 ओला चिका, ओला ओला चिका। रेटिंग वाले फाइव स्टार मुझे दे दे, फाइटिंग वाले एक्शन मुझे आते, रोमियो अपना मुझे तू बना ले, दिल मुझे दे दे, आँखों में मेरे ड्रीम तू सजा ले, हार्ट बीट अपने मुझे तू बना ले, रियल बॉयफ्रेंड हम तो है तेरे, लवर है तेरे, सिग्नल लव का तू भी दे दे, वैलेंटाइन डे तू भी मना ले, खुद की खबर ना सोचूं मैं हर पल बस तुझको। ओला चिका, ओला ओला चिका, 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 ओला चिका, ओला ओला चिका। जिग्नेश भाई, अपनी दीकरी श्रीनु का तमाचा मारा। अरे शो बात करे छे, तमाचो मारी थी तो मारा प्लान नु उंधियू बनी गयू। केम मारे ये क्यों नहीं, जिग्नेश पटेल की बेटी जो है। पर क्यों? क्योंकि उसने उसके बाप की इज्जत उतारी थी। पर लड़का होशियार है, वो फंसा लेगा, जो मुझ पर चाकू रख सकता है उसको फंसा लेगा। छोकरो होशियार छे। इतनी जल्दी हाथ क्यों धो रहे हैं भाई? खाने के बाद धोने चाहिए। पर आपने खाना तो खाया नहीं भाई। अरे खाने के लिए धोए हैं। मस्त लपेटा मारा है। खाना ठंडा हो रहा है। वाला दीवाना आशिक मैं हूँ, मैच लास्ट बॉल पे सिक्स मैं मारू, तेरे लिए कुछ भी करके दिखा दू, ये मान ले तू, आज तुझे लव मैं करना सिखा दू, लव का पिक्चर तुझे मैं दिखा दू, दिल में तेरे नए अरमा जगा दू, चल साथ मेरे, लव करने का चांस तू दे दे, रोमांस तू मेरे संग संग कर ले, खुद की खबर ना सोचूं मैं हर पल बस तुझको। ओला चिका, ओला ओला चिका, 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 ओला चिका,
Hola chica, hola hola chica. 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 जिग्नेश भाई वो आ गए, ये डॉक्टर आराम साइकेट्रिस्ट। आज साइकेट्रिस्ट क्यों बोला वे हो? कितने दिन बीमारी को ऐसे छिपाओगे, इसे बता दो वरना बीमारी बढ़ती जाएगी, बोल दो सब। चलो निकलो यहाँ से, मेरा काम पर जाओ। इसलिए आया? हाँ बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी। वो कहीं फील था इसे मैंने, कुछ भी नहीं होता तो भी फील होता है मुझे। हमारा थोड़ा दिवस पहला मेरी दीकरी को दिए जलाते देखा, फिर देखा तो कोई नहीं था, पर दिए थे वो भी नहीं थे। तो नो डाउट प्रॉब्लम है। अरे कल ये बिना खाए ही हाथ धो रहे थे, वो भी घिस घिस के, जबकि हाथ तो साफ था। लेकिन हाथ थे अच्छे, तब तो जरूर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? जब से इनकी बड़ी बेटी चली गई। ओह माय गॉड, इस शॉक से इनके छोटे मगज में केमिकल लोचा हो गया है, सेकंड स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। केमिकल लोचो? आने कोई ट्रीटमेंट नहीं डॉक्टर? हाँ छे ने, जिम के आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सेनापैथी, टेलीपैथी, करोड़पति जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ऑयल पुलिंग, प्राणायाम या योगासन, या फिर एक छोटी सी सर्जरी करके छोटे मगज को निकलवा भी सकते हैं आप। लेकिन सबसे आसान इलाज खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट, और वो है म्यूजिक थेरेपी। एमा शू करवानो? जब भी मगज में गुस्सा चढ़े या खोपरे में नेगेटिव थॉट्स कबड्डी खेले तो कूल होने के लिए गाना गाइए। इससे आपका छोटा मगज कूल हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। म्यूजिक मारा मगज में गुस्तू नहीं थी। इसके लिए कॉमन सेंस ही काफी है। जब भी आपको गुस्सा है गाना गाइए, लेकिन बस गाने के बोल सिंपल होने चाहिए और म्यूजिक बहुत स्वीट होना चाहिए, प्रेफरेबली पुराने मेलोडीज। मेलोडीज फ्रस्ट्रेशन म्यूजिक से दब जाएगी और छोटा मगज स्मूथ हो जाएगा। ओके तो आऊं? और ये ट्रीटमेंट काम ना करे तो कॉल करना आपको ना एम्बुलेंस। पटेल भाई आज बेटिया शिरनू को देख के हंसी। हंसी थी सांभळ्यू ते, फस गई वो। वो सिर्फ हंसी है, फंसी नहीं। फंसना पड़ेगा, अगर उस लड़के को मारना है तो उस लड़के से फंसना पड़ेगा। जिग्नेश भाई याद करो, अरे मैं लड़ी नहीं थेरेपी। जोड़े रे जोरा ओ कूल कूल, जोड़े रे जो राज हो ना 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 ना। शो अच्छे आगे गाओ जिग्नेश भाई। वो जरूर फंसेगी उससे, और उसके बाद हम उस होशियार को मार देंगे, किसी की नजर ना लगे आपको। वो जरूर फंसेगी उससे। दिल खुश कर दिया, शीनू उसके प्यार में पड़ा। ताना ताना ना ताना ना ना। बोरिंग मदर, बोरिंग फादर। सुबह सुबह उठकर भी इनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, सेम वही बोरिंग बोरिंग रूटीन। मम्मी डैड, ये आखिर घर में हो क्या रहा है? क्या हो गया बेटा? ओए पुत्र चिल्ला क्यों रहा है? सारी गलती आपकी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, शर्ट टक करते हैं, लेकिन एक महीने से जो लड़की आई हुई है उसका ख्याल नहीं रख सकते। ओए पर गल की है, इसकी आंखों में आंसू कैसे आए? Who is responsible? कांदा है दादा। कोई नहीं है श्रीनू, मैं बस प्याज काट रही थी। तो फिर तुम क्या कर रही थी? मैं भाजी काट रही थी। एक लगाऊंगा खींच के। खुद सब्जी काट रही हो और उससे प्याज कटवाती हो, खुद क्यों नहीं काट सकती? छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? ये छोटी सी बात है, हाथ कट जाता तो हा? मिक्सर से शॉक लग जाता हा? तो सिलेंडर फट जाता तो हा? ये किचन जैसी खतरनाक जगहों पर जाना ही क्यों है वसु? मतलब किचन इतनी खतरनाक जगह है क्या? कान खोल कर सुन लो, अगली बार इसके हाथ में चाकू दिखाना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं हूँ इस घर का बॉस, अगर वसु के साथ बदतमीजी हुई तो इस घर से एलिमिनेट कर दूंगा। इसके बाद मामा आए, चाचा आए, दादा आए या खुद भाई ही क्यों ना आ जाए, किसी की नहीं चलेगी। शीलू दादा, क्या भाई हमारे घर सच में आएंगे? हाँ आएंगे ना, तेरे लिए काम छोड़ कर आएंगे। हाँ।
उससे पूछ नहीं सकते, तुम कुछ बताती नहीं हो, हम तुम्हें क्या समझे? तुम्हें कुछ दिनों के लिए आया मेहमान समझे, या फिर तुम्हें हम अपने घर की होने वाली बहू माने? छह महीने पहले मुंबई में आर्किटेक्ट्स की एक मीटिंग चल रही थी। श्रीनू का प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन सबने लाइक किया और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। Congratulations. Thank you. Thank you so much. Congrats. वसुंधरा, वसुंधरा। Are you following me? कुछ ही मुलाकातों में श्रीनू मुझसे प्यार करने लगा। Hey, high school cricket ball, याद आया? श्रीनू? Exactly. Oh my God, what a surprise. How are you? I'm good. Sorry, श्रीनू, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। You're joking, right? No, श्रीनू, I'm already committed. Wow. तो फर्स्ट टाइम तो मैं देखने पर जो फीलिंग्स आई थी, हमारी मेमोरीज, वो सारी बातें, प्यारे मोमेंट्स, वो सब बेकार थे। लव इज मैजिक श्रीनू, तुम्हें मेरे लिए जो फीलिंग्स हुई, वही मैंने किसी और के लिए फील किया। दैट्स व्हाई इट्स मैजिक। पर मेरे लिए इट्स ट्रैजिक। तो क्रिकेट बॉल, स्कूल बस, हमारे वो पल, मैंने गलत समझा। उसे हर्ट हुआ, अब शायद कभी बात नहीं करेगा। थैंक यू। व्हाट श्रीनू? हाँ, फॉलो कर रहा हूँ। चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, पर मेरे दिल में जो प्यार है ना, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। माय लव इज रॉक सॉलिड। मेरा प्यार कभी हार नहीं मानेगा। कल मॉर्निंग फ्लाइट से फियांसे के काम से दुबई जा रही हूँ, और वहाँ से यूएस। शादी भी वहीं होगी, तुम्हारा आना जरूरी है। जब भी मेरी जरूरत हो प्लीज कॉल करना। इट इज बिकॉज यू आर माई फर्स्ट लव ऑलवेज एंड फॉरएवर। गलती से टच हो गया तो मारे क्या? तेरी लवर है जो हीरो बन रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, फर्स्ट लव है। जब प्यार पास हो और उसे तकलीफ हो तो हम उसे संभाल लेते हैं, लेकिन जब वही प्यार दूर होता है और हम उसके लिए कुछ ना कर पाए तो दर्द यहाँ होता है। मैं उससे प्यार नहीं करती, पर वो करता है। मेरे लिए उसका प्यार अभी तक वैसा का वैसा है। मुझे तो सिर्फ प्यार करना आता है, पर वो प्यार को समझता है। उसका प्यार सच्चा है। अब सारी क्लैरिटी हो गई। वो बियर वाली ही बहू बनेगी। ऐता? No, 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 no. I don't accept. I'm sorry. जाइए। Sir, in two days national games qualifiers होने वाले हैं। हमें एक कोच तक नहीं मिला। How do you expect us to perform? Don't worry, girls. आपके लिए एक नया कोच अपॉइंट किया है। Really? Yes. उसने कोचिंग के लिए हाँ बोला, यानी ऑलमोस्ट सारे गोल्ड मेडल्स अपनी झोली में। वाओ, वेयर इज ही? लो आ गया वो। हे, कैसा लग रहा हूँ? यू सर, ये सिर्फ पीट सकता है, स्विमिंग नहीं आती इसको। अरे क्या बात कर रही हो, शार्क लिंगम डॉल्फिन श्रीनिवास है ये, जानती नहीं हो क्या तुम? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी इसने। ड्रामा कर रहे हो, तुम कोचिंग दोगे? यस, आई एम द कोच। सिंधु, साइना सबको मैंने ही ट्रेन किया है, पुलेला गोपीचंद को भी। पर ये तो बैडमिंटन खेलते हैं ना? यस, बैडमिंटन में टॉप बनने के लिए स्विमिंग भी जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कोचिंग की फिक्र क्यों कर रही है। गेम कोई भी हो, कोचिंग इज द सेम। गेम खेलना बहुत आसान है, पर उसे जीतते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें स्विमिंग करके दिखाओ पहले। नो, ओह नो 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 नो, मुझे डाइव के लिए एवरेस्ट की हाइट चाहिए और मिनिमम पैसिफिक जितना गहरा पानी चाहिए। अगर मैं इसे पोएट्री में बयां करूँ ना, तो ये पूल इतना बड़ा होना चाहिए जितना की मेरा दिल बड़ा है, और इस पूल की गहराई इतनी होनी चाहिए जितना की मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मेरा मतलब पूल, पूल, पूल। इसे ही कोच कहते हैं।
समुद्र में मछलियों को स्विमिंग सिखाई? तुम लोगों को सिखाना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट 2 मिनट्स अंडर वाटर बिना सांस लिए रुको, हम तुम्हें कोच एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 मिनट्स क्या, 5 मिनट सांस रोक सकता हूँ? बताओ तब प्यार करोगी? 5 मिनट्स में तो ऊपर नहीं डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाओगे। ए, ये बेकार की बात है, बताओ प्यार करोगी? सोचूंगी। ठीक है फिर, तो मैं कूदूंगा। यार बातों बातों में ज्यादा बह गया, अब पानी में बहूंगा कैसे? मेरा मतलब मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। 1, 2, 3 गंगा भैया की जय, बचा ले। क्यों, फर्स्ट टाइम पूल में कूदे हो? बड़ी जल्दी बाहर निकल आए तो। मजाक उड़ा रही हो? अब देखो 5 मिनट से पहले बाहर नहीं आऊंगा तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। तो डूब जाओ। हाँ? 30 सेकंड्स हो चुके हैं। 1 मिनट हो गया। 2 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, अभी तक बाहर नहीं आया। चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। Hey, disturb क्यों किया? Underwater meditate कर रहा था। 10 सेकंड और अंदर रहते तो हो जाता काम। पागल हो गया क्या? बेबी डर गई थी ना? मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको प्रूव कर रहा था, तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं दोबारा जा रहा हूँ खुद। इडियट कहीं का, मर जाता। पागल पागल। Hey, comedy! तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा और जुदाई जीने नहीं देगी। क्रेजी फेलो। हंसी मतलब फंसी। अब तो पटेल को बोलना ही पड़ेगा, उनका दामाद लाखों में। Crazy baby. Let me show ya. जैसा लव तेरा दिल मेरा ललचाए, ये दिल मेरा उड़ जाए रॉकेट सा, हाय हाय ओ हाय। हॉट हॉट ये अंदाज तेरा दिल को धड़काए, ना हैंडसम कोई भी तुझसा मिले मिले मिले। क्वीन मेरी है तू, सबसे फेवरेट है तू, हीरो मेरा है तू, आशिक ग्रेट है तू। अयो रामा देखो जोड़ी सुपर हिट है। मेरा रियल हीरो है तू, मेरी रियल चॉइस है तू, है दिल में तेरा ही चेहरा दिल की वॉइस। मैं रोमियो हूँ जूलियट है तू, मेरे दिल की धड़कन बस है तू, है लाइफ लॉन्ग साथ ये तेरा मेरा यारा है तू। एक्सलेंट है तू, क्या बात तेरी, दिखने में तू मस्त यारा। तू है शोला, तू है बिजली, होश उड़ाए जलवा तेरा, तेरे लिए छोड़ दूंगा मैं सारा जहां।
मेरे दिल में जावे बसती तू, रंग रंग में भी बसती तू, आज मिला है लकी चांस कर ले डांस। लव के लवली पल ये सुहाने, रोमांटिक बातें यारा कर ले, मेरे भी दिल की ख्वाहिश है यही, आजा लव में गुस्ताखी कर ले, आजा है मौका खुल के प्यार कर ले। पटेल की बेटी और मेरी लव स्टोरी शुरू हो ही गई सर। माने उसने बाजी मार लिया। रुको रुको, ये बात मैं पटेल को बताता हूँ, उसके मन में तो रसगुल्ला फूटेगा। मैंने जो कहा वो करो। जी जी प्लीज सर, मैं समझ गया। चिंदिस भाई, डीसीपी ने फोन। हेलो पटेल बाबू, एक गुड न्यूज है, आपकी बेटी भी आपकी तरह बहुत जिद्दी निकली। फाइनली लड़की ने लड़के को अपने प्यार की तालाब में डुबो ही दिया। इसी खुशी में आप इधर आ जाइए, तड़ातड़ी तड़ातड़ी तड़ातड़ी। Wow, what a location. बिल्कुल, तुम और तुम्हारी स्माइल जैसी ब्यूटीफुल। जब भी कोई बोलता था लव इज मैजिकल, यकीन नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने के बाद समझ आया लव सच में मैजिक है। उसी पल से मुझे लगने लगा मेरी ये लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था 15 दिन में तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 15 दिन तो क्या, सालों महीनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा कॉमेडी। लव इज मैजिक, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुम थोड़े अकड़ू लगे थे, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे तुम्हारी क्वालिटीज अच्छी लगने लगी। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारा अकड़ूपन, तुम्हारी कमिटमेंट, मेरी स्मार्टनेस, क्यूटनेस, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया तुम्हें। अब देर किस बात की, अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, तभी तो शुरू होगा हमारे रोमांस का चैप्टर, फिर गुटर गू और चुम्मा चुम्मा दे दे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ए, मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रीनू, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैजिक है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ लव इज ट्रैजिक, इट्स जस्ट पेन। आई डोंट लव यू, जस्ट लीव इट। जस्ट लीव इट? तो उस दिन जब मैं पूल में डूब रहा था तब मुझे क्यों बचाया? उस दिन क्यों चिल्ला रही थी ना मेरी जान के लिए? That is humanity. Oh, humanity. श्रीनु, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर लाइक करना और लव करना अलग है। लाइक करती हूँ पर लव नहीं? ओए, तुमने क्या मुझे पागल समझा क्या? श्रीनु, ये आर्गुमेंट बेकार है। आई डोंट लव यू, आई जस्ट सेड आई डोंट लव यू।
अपने प्यार को आंसुओं से छिपाने की कोशिश मत करो कौमदी। तुम अपने आंसुओं को रोक सकती हो पर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसे कभी नहीं छुपा सकती। जिस पल तुम मेरे सीने से लगी तुम्हारे दिल की धड़कनों ने बता दिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने दिल की धड़कनों को प्यार बयां करने से रोक नहीं सकती। जब वो मुझे मारने आया तो तुमने मुझे बचाया क्यों? अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। झुटलाओ मत। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर तुम इजहार नहीं करोगी। आजा, आजा, तू भी आजा। हाँ, ए, तू भी, हाँ, इधर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, लेकिन जुबा प्यार से इनकार करती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ए, चुप, बकवास बंद कर। क्या जवाब चाहिए तुझे? अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, तेरे जैसे दो दिन के मेहमान को नहीं दूंगा। समझा तू नहीं के? मौत तेरे सर पे नाच रही है। तुझे लेने आने वाले यमदूत का नाम जानता है? गजा। अगर गजा से पंगा लिया तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर के भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कन्फर्म। बेटा तू तो उसके आदमियों को देखकर ही पूरा थरथरा गया। जब गजा खुद आएगा तो सोच ले, वो साक्षात यमराज है। उससे पहले निपट ले, बाद में हम सोचेंगे। दिमाग पहले से ही शॉर्ट है, अब ये नया कैरेक्टर गजा कौन है? गजा से पंगा लिया ना तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर कर भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले छुरा घुसेगा कन्फर्म। यही वो लड़का सीनू है, मार मार कर इसने हमारे सारे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लॉयर ने कहा कल आपकी बेल हो जाएगी भाई। हेलो सर। अरे बाप रे, आप कौन है सर? मुझे देखकर गुस्से में सलाखे क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ट्विटर पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, फेसबुक पर फेस टू फेस भी नहीं आया, फिर आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं सर? जब भी किसी को मारने भेजता हूँ तो वो बीच में आकर उसे बचा लेता है। तेरी मौत पक्की। जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन सर, आप किसे मारना चाह रहे हैं? मैं किसे बचा रहा हूँ? कौमुदी को मारने के लिए जब मैंने अपने पंटरों को मॉल में भेजा तो तूने उन्हें ही धो डाला। ये तेरी पहली गलती थी।
ओ मतलब मॉल में जिन बंदों को मैंने तोड़ा वो आपके बंदे थे। थैंक्स फॉर द अपडेट सर। उसके बाद क्या हुआ? तेरा बैकग्राउंड पता करने से पहले ही वो जिग्नेश पटेल बीच में आ गया। मेरी बेटी पर हाथ डालने के लिए तुझे मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकलना होगा। कदाच तू मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकल जाए, पर मारो जमाई जिसे मेरी बेटी चाहती है, जिसने मॉल में तेरे गुंडों को मेथी पाक खिलाया, वो क्या बला है पता है तुझे? खुले जंगल में शेर का शिकार करने वाला 30 मार्का शिकारी है। अगर तूने मेरी बेटी को टच किया ना तो वो तेरा शिकार कर देगा। वो तेरा काल है, उसका नाम नहीं जानता ना तू? श्रीनू, शिकारी श्रीनू। वारे पटेल, सेम डायलॉग चिपका कर हम दोनों को आपस में भिड़वाना चाह रहा है। स्टोरी में ट्विस्ट लाना पड़ेगा। ब्रो, लड़की की जान खतरे में थी इसलिए बचाया, अब मेरी भी जान लोगे क्या? कॉमेडी को मारना क्यों चाहते हो? 20 साल पहले मेरी बहन की शादी के मंडप में से जिग्नेश पटेल उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए वहां पहुंच गया। उसे रोकने की कोशिश में अनजाने में मेरे बाबा भी मारे गए। दीदी बाबा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद की जान ले ली। गुस्से में छुरा लेकर मैं जिग्नेश को मारने गया और ए, तुझे क्या हो गया? वो तो नरक में पहुंच गया और तू जेल में पहुंचेगा। उसी बदले की आग ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। रियल एस्टेट किंग गजा, सेटलमेंट्स की, जमीनों पर कब्जे किए और जिग्नेश पटेल की साइन कर उसकी बेनामी प्रॉपर्टीज हथियाई, फिर उसकी बड़ी बेटी वसुंधरा को अपने प्यार में फंसाया। अरे अरे रुको। उधर जिग्नेश पटेल उसकी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया। पापा, दीदी रूम में नथी। नथी? पटेल भाई, पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिली। जिग्नेश भाई, आपके लिए बड़ी बेटी का फोन। सुंदरा बात कीजिए। दिगरी वसु? वसु का आशिक गजा। अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा, तेरी बेटी को मैं ही शादी के हॉल से उठा कर लाया हूँ। विद लव। गजा, ये क्या बोल रहे हो? सच। ये तुम्हारे बाप को एहसास दिलाने के लिए किया कि अपनी बहन की लाश देखकर मुझ पर क्या बीती। यकीन नहीं होता, तुमने बदले के लिए प्यार किया? मेरे मुंह से सुनकर भी तुम्हें यकीन नहीं, मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करती होगी। यही मेरा मकसद था, तुमने मुझे जान बोला था, छोड़ दूंगा तो तुम अपनी जान दे दोगी। दे दो, जाओ सुसाइड कर लो। मेरे प्यार के लिए वसु ने अपनी जान दे दी। वसु के सुसाइड के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराकर जिग्नेश पटेल ने मुझे जेल भिजवा दिया। वसुंधरा पटेल, डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल, एल्डर सिस्टर ऑफ कौमुदी पटेल, व्हाट अ कोइंसिडेंस। गजा ने पटेल से अपना बदला लेने के लिए वसु के प्यार के साथ खिलवाड़ किया, जो थी मेरी एक्स लवर, और अब ये कौमुदी के पीछे पड़ा है जो है मेरी करंट लवर। हर बार मेरे प्यार के पीछे ही पड़ता है, अब जाके मिली है फुल क्लैरिटी। तेरा मेरे प्यार के पीछे पड़ने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? तेरी तो देख लूंगा तुझे। एक्सपेक्ट कर रहा है। अहमदाबाद में इनकी तूती बोलती है, पोरबंदर में क्या रखा है इनके लिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बैकग्राउंड तो ऐसा है कि सारे खेत इनके ही है और शहर में हर जगह विलाज है। क्या बात है, आई जस्ट इमेजिन। इनसे मिलिए, मिस्टर पिछाड़िया, फाइबर बिजनेस, अमेरिका में $1 बिलियन का बिजनेस है। ये है इनकी वाइफ और इनका बेटा बंदर पिछाड़िया। जूना नाम है? फादर का नाम पिछाड़िया था, पोरबंदर से थे, कॉर्पोरेट स्टाइल में मिक्स करके हो गया बंदर पिछाड़िया। अरे बस करो, कुछ भी बोल रहे हो, जब देखो तब मेरी इज्जत का फालूदा बनाते रहते हो। ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं, इटालियन मार्बल लगती है। ये अमेरिका से नहीं, अफ्रीका के जंगल से आया लगता है। शहर में पली बड़ी है इसलिए साड़ी नहीं पहनती। नो नीड अंकल, ये साड़ी में कैसी दिखती होगी? आई कैन इमेजिन। गॉर्जियस। इसका इमेजिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग है, मेरा बेटा खास है। जिग्नेश भाई, ये तो आपकी वाली बीमारी है। शादी हफ्ते भर में करते हैं, मेरी बेटी सेफली अमेरिका चली जाए, तब तक आप आराम से यहीं रहिए। अगर सीनू आ गया तो प्रॉब्लम थी जैसे। मैंने सीनू को गजा के साथ भिड़ा दिया है, जब तक आपस में सुलटेंगे शादी हो चुकी होगी। शू थयू, सीनू आ गया? मोटा भाई, गजा आया है। ओहो, इतले गजाए सीनू नो खेल खत्म करी ना, क्यों लगे थे? पटेल भाई, सीनू भी आया है। क्या ये दोनों मिलकर हमें साथ में मारेंगे?
end of a new story. Are you ready? न्यूयॉर्क के टावर जैसे लंबे मुस्टंडे कौन है ये दोनों? स्मार्ट बॉय चल। अबे असली खेल शुरू थे से। लेस लेस बांध रहा था। आप लोग चालू रखिए, कैरी ऑन। अभी यहीं तेरे सामने तेरी बेटी को जान से मारूंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रहे हो। मार दूंगा। अरे किस जमाने से हो? इससे मारने की जगह तुम इससे शादी कर लो। शादी? मैं? शादी? हाँ, शादी। तो वो हीरो जैसा चैलेंज क्यों? सॉरी ब्रो, कल रात तुम्हारी लाइफ की फिल्म को रिवाइंड किया मैंने। बाप को चाकू, बहन का सुसाइड, इस स्टोरी में। पेन। हाँ, पेन। अगर मेरा कोई अपना होता जिसके साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे फील होता लाइक फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड। किसी फ्रेंड के साथ जब गलत होता है तो जैसा फील होता है बिल्कुल वैसा। इसलिए दोस्त, जाओ और शादी कर लो। बड़ी बेटी के मरने पर हफ्ता भर रोए थे, छोटी के मरने से 10 दिन और रोएंगे बेचारे। फिर दूसरी शादी कर लेंगे और 3 बच्चे और पैदा करेंगे। ये पैदा करते रहे, तुम गायब करते रहो, ये भी कोई जिंदगी है? इसीलिए गजा इससे शादी करके बच्चा पैदा करे, नहीं हो सकता। सिर्फ शादी करे, बच्चा पैदा नहीं करे। शादी के बाद इसे पूरी तरह टॉर्चर करो, वीडियो बनाकर इन्हें व्हाट्सएप करो, सैटरडे संडे मेगा एपिसोड्स बनाओ, रिवेंज लो, नया ट्रेंड सेट करो। ब्रो, तुम 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हो, मैं 10 साल का लंबा डेली सोप बनाना चाह रहा हूँ। नामुमकिन, लड़की को मरना होगा और इसे तू मारेगा। चुप करो मामा, तुम तो इससे प्यार करते हो। हाँ करता हूँ, पर मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हारे बदले की आग बड़ी है, इसलिए सैक्रिफाइस करता हूँ। पर किसके लिए? हमारी बहन के लिए। हमारी? गया काम से। जी, दोस्ताना पार्ट 2। यक, दिल को छू लिया तुमने। गिव मी अ ब्रेक। या व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन है? बड़ी बेटी का लवर। बंदे, हु इज दिस गाय? उसकी बहन का लवर। उससे क्यों शादी कर रहा है? अपनी बहन के रिवेंज के लिए। इसकी बहन कौन? इनकी लवर। अब ये कौन? ओ अंकल, यू हैव अ लव स्टोरी? आई हैव सो मच ऑफ कंफ्यूजन। अरे मैं समझू तब ना कुछ कहूँ। आप भी ना। सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। यू गाइस कैरी ऑन, लेट्स सी द फिल्म। पापा, वायलेंस ऑफ गजा, शूटिंग जल्द शुरू होगी। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। या कम ऑन। बाय बाय। तुम्हारी होने वाली तो वो ले गया, रुक के क्या करोगे? विल यू शट अप? अपनी शक्ल देखिए, मूली की तरह है। माँ की शक्ल शक्करकंदी की तरह। रिजल्ट है ये गंदी शक्ल। अगर इस जनरेशन में ऐसी ग्लैमरस लड़की फैमिली में आई, मेरी नेक्स्ट जनरेशन कितनी कलरफुल होगी। जस्ट इमेजिन। लड़की के साथ उल्टा सीधा किया तो तो क्या हुआ? वो भी गोरा हैंडसम है। शर्म नहीं आती? मुझे अंकल, जिसे प्यार करता है उसकी शादी मेरे दुश्मन से करवानी है? वो प्यार नहीं करती। आप शादी नहीं होने दे रहे हो, किसी का तो भला होने दो। सांभर, मेरी बेटी को वापस लेकर आ। क्या चाहिए तुझे? क्या दोगे? ये बंगला दे दूंगा। सारे खेत तेरे नाम करूंगा। मेरी आधी जायदाद ले ले, तो मेरी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? ओह समझा। आई जस्ट इमेजिन। वाह, ये हुई ना बात। गजा, श्रीनु इज कमिंग। सुनो भाई, अपना सीनू आया है। रोमियो हो जूलियट है तू, मेरे दिल की धड़कन बस है तू, है लाइफ लॉन्ग साथ ये तेरा मेरा यारा है तू। ए मामा, अपना दोस्त आया, पार्टी तो बनती है। हाय मामा। तेरी तो मामा बोलता है कि कॉमेडी का खेल खत्म कर एक झटके में। फचाक, इससे तो सारा मजा चला जाएगा, है ना? शादी के बाद उसको टॉर्चर करने की बात जब भी सोचता हूँ तो मेरा मन खुशी के मारे गार्डन हो जाता है। देखो कितना खुश लग रहा हूँ मैं, मेरे रिवेंज की रेंज कितनी हाई हो गई है। तुमने तो मुझे चेंज कर दिया। अटैक, लव यू। भाई, देखा आपने, फोटो में भी दीदी कैसे मुस्कुरा रही है। फोटो मुस्कुरा रही है? ये तो बहुत बड़े वाले हैं। अरे बैठो ना ब्रो। मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से ही हमारी शादी हो। हाथ मेरा भी कहाँ खाली है भाई, हाथ अपने भी पीले होने वाले हैं। कौन है वो खुशनसीब? यू ऑलरेडी नो ब्रो। अच्छा, कौन है वो? सड्डा दे गौ मोदी। हेलो,
उसे उठाने का आइडिया देने के बाद ये क्या नौटंकी है? कौमुदी और मेरी शादी से उसके बाप ने इनकार किया, इसलिए तो मैंने आपको बोला ब्रो। पर अब पटेल हमारी शादी के लिए राजी हो गया है और एक अच्छा ऑफर भी दिया है ब्रो। पर उससे सबसे पहले टांका तो मेरा भिड़ा था ना, तो सीनियरिटी कोटा से वो मेरी हुई ना ब्रो। यही वजह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या जोक मार रहा है? कैजुअली डायलॉग मारने से यही होता है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब तक हीरो भारी आवाज में वजनदार डायलॉग नहीं बोलता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। कौमुदी सिर्फ मेरी है ब्रो। लाइफ में मेरी एक फिलॉसफी है, पहला वार अपनी तरफ से कभी मत करो, फिर भी कोई वार करे तो ध्यान रखना वो दूसरा वार करने के लायक ना रहे। पकड़ो, अरे पकड़ो, हाथ पकड़ो यार। पूरे गैंग की धुलाई करके कौमुदी को घर ले जाना, मंदिर का घंटा बजाना इतना इजी है, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि अपनी दोस्ती जय और वीरू के जैसी है। और अगर तुम्हें भी हमारी दोस्ती सच्ची लगती है तो तुम खुद कौमुदी का हाथ मेरे हाथ में सौंपोगे। पर तुम्हें तो दोस्ती की कोई अहमियत ही नहीं, पर मेरा अब भी मानना है कि पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा कोई लवर ही नहीं। लवर? जो अपनी बहन से इतना प्यार कर सकता है, सोचो कितना प्यार है उसके दिल में। तुम्हारे आसपास इन लफंगों को देखकर लोग कहते हैं तुम विलन हो, विलन हो। अरे कहां हो विलन तुम, तुम्हारे अंदर तो एक हीरो है, हीरो हो तुम। अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान हो तुम। विद इन वन वीक अगर मेरी दोस्ती समझ सको तो मेरी कॉमेडी को मुझे सौंप देना, और अगर मेरी दोस्ती तुम्हें झूठी लगे तो कॉमेडी से खुद शादी कर लेना। तुम हैप्पी रहो ब्रो, हैप्पी रहो। दोस्त मेरा दोस्त, तू ही मेरी जान, तेरी दोस्ती पर ये जिंदगी कुर्बान। अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान तुम। उसकी आंखों की वो सच्चाई, वो गजब का कॉन्फिडेंस और उसकी काबिलियत। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपनी लवर को मेरे पास छोड़ जाने के पीछे क्या मकसद था उसका? क्या मकसद था? हाँ, मतलब ये कि वो मुझ पर यकीन करता है। श्रीनु ने कर दिया काला जादू। मतलब श्रीनु के पास एक जादुई करिश्मा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या हमें उसका भरोसा तोड़ देना चाहिए? नहीं। याद है ना उसने क्या कहा था? कहा कि मेरे अंदर तो एक हीरो है। तुमने कभी मुझसे ऐसा कहा? तुझे पटाने के लिए कुछ भी बोलेगा और तू यकीन कर लेगा? मैंने वहां किसी का साया देखा है भाई, साया का साया श्रीनु जैसा है। उस पर शक करने का मतलब मेरी इंसल्ट करना। ही इज माय इनर सोल। अंदर की आत्मा, दारू पी ले। अब जब तक मैं खुद नहीं बोलूंगा वो कौमुदी को नहीं ले जाएगा, उसने जुबान दी है। हे, हाँ? चलो निकलते हैं इसी वक्त। हाँ? तुमने एक वीक मांगा था और कहा था मांग कर ले जाओगे, अपनी जबान पर टिक नहीं सकते। अरे मोशन में 100 बातें बोल दी और जबान पर कौन टिकता है, पैरों पर टिकता है इंसान। अब चलो। मेरा मोबाइल। मामा। आता हूँ। जल्दी आओ। आता हूँ आ रहा हूँ। आजा आजा। दीदी, गजा ने जब मुझे धोखा दिया उसके बाद मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से मुझे कुछ गांव वालों ने बचा लिया। लेकिन गजा और पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, और जब मैं सबको छोड़कर यूएस जा रही थी उस वक्त श्रीनु मुझे अपने घर ले गया। जेल में मैं गजा से मिला, फिर मैंने इससे बात की। तुम अभी भी गजा से प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ। वसु, उसने धोखा दिया है तुम्हें। श्रीनु, लव इज मैजिक, मैं ये मानती थी कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे फिर भी तुम उसे अनकंडीशनल प्यार करते रहो, ये मैंने तुमसे सीखा है। गजा का गुस्सा मेरे पापा पर है, पर कीमत तो मेरे प्यार को चुकानी पड़ी, इसीलिए
मैं उसके प्यार का इंतजार करती रहूंगी। कितने दिन करोगी? पूरी जिंदगी करती रहूंगी। गजा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरा दिल कहता है। जब मैंने उसे एक्सीडेंट हुई बच्ची की मदद करते देखा, तब उसके अंदर का नेक इंसान मुझे नजर आया। सॉरी शीनो, दीदी के साथ जो हुआ उसके बाद लव नाम के कॉन्सेप्ट से मेरा विश्वास ही हट गया। इसीलिए प्यार होते हुए भी तुमसे झूठ बोलती रही कि प्यार नहीं है। I understand. पर दीदी, शीनू को कैसे जानती हो? तुम्हें याद नहीं है? आदित्य स्कूल, क्रिकेट बॉल, स्वीट्स। शीनू। Exactly, मैं वही शीनू। Oh my God. एक मिनट। स्कूल छोड़ते हुए क्या बोला था तुमने? ए, उसको बोलना उससे मेरी बहन क्या कोई भी लड़की नहीं पटने वाली। हम दोनों को मिलना था शायद, इसीलिए मुझसे निकल गया होगा। एक मिनट। पहले गजा की अकल ठिकाने लगानी होगी ताकि वो माफी मांगे और मेरे एक्स लवर के तुम्हारी दीदी को मंगलसूत्र बांधे, फिर बताएंगे पापा पटेल को और फिर बजेगा बैंड और हम दोनों हो जाएंगे वाइफ हस्बैंड, मतलब शादी। दीदी, कैन यू प्लीज टर्न, अब इंतजार नहीं होता। प्यार में दिल पगला, मचला मचला मचला, तुझे पाने को मचला। सजना सजना सजना, सुन को मेरे सजना, रहना रहना रहना, तू दिल में मेरे रहना। पल पल तड़पू चैन आए ना, पल पल तरसू बिन तेरे, धक धक बोले दिल ये डोले, रहना पाए बिन तेरे। जब जब देखूं तेरा चेहरा, दिल को मेरे सुकून मिले। सजना सजना सजना, सुनो मेरे सजना, रहना रहना रहना, तू दिल में मेरे रहना। तुम ख्वाबों में मेरे जानम हो, तुम मेरे सनम, साथी हो मेरे, तुम माही हो मेरे। रहने लगा हूँ खोया खोया, जब से मुझको तुम हो मिले, तेरी याद में खोई रहूँ मैं जब से रहने मिले। सोचू तुम्हें ही मैं हर लम्हा, खुद की ना खबर मुझको, तुमसे ही मेरे दिन भरे, तुमसे प्यार में दिल पगला, मचला मचला मचला, तुझे पाने को मचला। सजना सजना सजना, सुनो मेरे सजना, रहना रहना रहना, तू दिल में मेरे रहना। भाई, कौमुदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिख रही? देख लिया, तू उसे लेकर आया और वो यहाँ से भाग गई। उसी दिन टपका देता तो बदला पूरा हो जाता। 20 years तुम्हारे लिए और इस रिवेंज के लिए। इस इंतकाम की आग में मैं कब से जल रहा हूँ। बस करो मामा। ए, सब जगह देखा? बाथरूम में भी देख लिया। ए, बाथरूम में क्या देखना था? वो क्या बाथरूम में होगी? बिना देखे कैसे पता चलता भाई? ओह, श्रीनु मेरे भरोसे लड़की को यहाँ छोड़ गया था।
अब क्या जवाब दूंगा उसे? तो सॉरी बोल देना भाई। भाई मुझे लगता है वो श्रीनू ही कॉमेडी को किडनैप करके ले गया है। चुप कर तू। श्रीनू पर डाउट करना मतलब मुझ पर डाउट करना समझा? कितनी बार बताना होगा? मुझे तो पक्का जिग्नेश पटेल का काम लगता है। जाओ पूरे घर में ढूंढो। चलो जाओ। और सुनो हाँ भाई, लड़की घर से गायब है ये बात श्रीनू को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सवाल मेरी इज्जत का है, समझे? तुम्हारी इज्जत को ढक के रखेंगे भाई। चलो बे। तो ये है सारा मैटर। तुम शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन और वो धर्मेंद्र, तुम जैसे बोगस फ्रेंड के लिए वो कॉमेडी को छोड़ देगा? बोगस फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। जब मेरी दोस्ती को समझेगा तो कॉमेडी को छोड़ देगा। और जब तक वो नहीं समझता तब तक मैं क्या करूँ यहाँ? इमेजिन करो वो घर में मौजूद है। वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पटेल को वो बीमारी ऑलरेडी है। कॉमेडी क्या छे कॉमेडी? अरे आपको नहीं दिख रही, देखिए सारी में कितनी प्यारी लग रही है मेरी कॉमेडी। वाओ लवली। किधर है? इसने पटेल की कमजोरी पकड़ ली है, ये पक्का उसका दामाद बनेगा। फ्यूचर बना हुआ है तो इनो साथ आपो। ए, साड़ी में कितनी सेक्सी लग रही हो तुम, आज तो बिजली डा रही हो। बेबी अरे थिरकता क्यों है? थिरकटी थिरकटी। अरे गुदगुदी होगी तो थिरकट थिरकट ही करूंगा ना। अरे प्लीज बेबी, ही इज जस्ट इमेजिनिंग। ठीक है बहुत हुआ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, क्या कर रहे हो? किस का जवाब दो, किस से ही देते ना, प्यार कर रहा था पापा पटेल। आने बंद करवानु क्या बदू? मजे लेने दो ना उसे, इमेजिन तो इमेजिनेशन नहीं मेरी बेटी है। मेरा प्यार इतना थिक है कि कॉमेडी मुझे हर जगह दिखती है, पर आपका प्यार ऐसा है कि आपको दिखाई नहीं देती। ठीक करने के लिए क्या पीऊं, कॉफी या टी? दिख रही कौमुदी उभी छे। कौमुदी के लिए आपका प्यार थिक है ये साबित करने के लिए आपने ड्रामा शुरू कर दिया। मैं ड्रामा कर रहा हूँ, कौमुदी खड़ी है वहाँ। ए कौमुदी दिख रही ना तुझे? वो उधर। ए तुमको दिख रही है? हमें तो नहीं दिख रही भाई। मन में प्यार होगा तो दिखाई देगी, आंखों छे के बटन। अरे दिख रही? हाँ। केम छे बेटा? गजा कुछ भी कर सकता है, इसी का डर लग रहा है। मुझे भी यही टेंशन है। देखो मेरी इमेजिनेशन में आओ तो ठीक है, श्रीनू की इमेजिनेशन में मत आना, एक नंबर नो लुच्चो छे। नहीं आऊं पप्पा। अगर ये अंकल की इमेजिनेशन है तो ये मुझे क्यों दिख रही है? अगर जन्म देने वाले बाप को दिखेगी तो होने वाले पति को क्यों नहीं? इट्स ट्रू। जरा मेरी बात सुनो। अरे बेटा ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, वो लड़की मुझे भी दिख रही है। ये क्या कह रहे हो? मुझे दिख रही है। तुम्हें दिख रही है क्या? की बुढ़ाओ करके, क्या तुम्हें वो अब भी दिखाई दे रही है? वो शर्मा रही है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जब मैं फिफ्थ क्लास में था और एक दिन पड़ोसन आंटी चीनी मांगने आई थी तो तुमने क्या किया था? उसे चीनी देकर वापस भेज दिया। चीनी तो किचन में रखी होती है, तो बेडरूम में क्या कर रहे थे? वो भी दोनों एक ही कंबल में घुसकर। बेडरूम में शक्कर दे रहे थे क्या? क्या वो अब भी दिख रही है? अब कोई नहीं, तेरी माँ के अलावा कोई नहीं दिख रही है। यही जड़ है हर बाप बेटे के झगड़े की, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड मारे शुकरू छे। ए तुझे नहीं दिखेगी, मेरी बेटी सच में यहाँ आई है बिल्कुल। ओ ए कौमुदी, ये इमेजिनेशन है, पाछे आवी जशे। कैसे आ? ए मौसम कितना ऑसम है, चलो लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं, हम चलते हैं। इमेजिनेशन okay, में घूम भी जा सकते हैं। यो ब्रो व्हाट अबाउट मी? तुम भी इमेजिन करो ब्रो। I'm master in imagination, imagine. You know. Just imagine. Huh? Oh. Aaron. Marie Komudi. वो बदला लेने के लिए इसे उठाकर ले गया, वो फ्रेंडशिप बोलकर इसे वापस छोड़ गया। अब कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है, शुं गड़बड़ छे, हे भगवान। हेलो भाई। हाँ बोल। कॉमेडी यहाँ नहीं है भाई। नहीं है? आप बोलो तो एक बार श्रीनू के घर में भी चेक कर लूं। श्रीनू पर शक करने का मतलब? आपके ऊपर शक करना, जानता हूं भाई। मेरी बात तो सुनो, इस डाउट को क्लियर करना है कि कॉमेडी श्रीनू के पास नहीं है, बस यही कंफर्म करना था भाई, समझे? हाँ तब जा सकता है। क्या बोले भाई को, इनको कितना भी समझाए बात तो दिमाग में नहीं बैठता, भटको यहाँ से। हेलो श्रीनू,
मैं कल्लू। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बहुत दिन हो गए तुमसे मिला नहीं, इसलिए मिलना चाहता हूँ। अरे मैं तो बाहर हूँ। हाँ ऐसा क्या, जब तुम घर पे रहते तब आ तू मिलने। एक्शन। परियों की रानी हूँ मैं। कौन हो तुम लोग? शूटिंग डायरेक्टर। अरे वाह शूटिंग। ओवर एक्टिंग की दुकान कहाँ गई? ए कौन हो तुम लोग? शूटिंग। शूटिंग परमिशन किसने दी? परमिशन की जरूरत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। हे ये सुंदरी कौन है? इसे क्या हो गया? ये तो हमारी काम वाली है। विश्व सुंदरी को नौकरानी कौन बुला सकता है? आखिर इस जनरेशन की श्रीदेवी मिलिज गई मेरे को, इसमें तो सुपरस्टार बनने की सारी खूबियां लग रही यार। हो तुम एक दिन बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन बन जाओगी, यही मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है। ओह हाय रब्बा। एज अ क्रिएटर आई लाइक यू। चलो कम ऑन। तुम तो घर पे नहीं थे ना? तू तो मेरे आने के बाद आने वाला था। और बेटा ये सेटअप किस चीज का है? लापता लड़की, इस नाम की वेब सीरीज बना रहा हूँ जी के लिए। अच्छा कहाँ गई लड़की? हाँ वही, ये हमारी वेब सीरीज का टाइटल है, लापता लड़की। हाँ वही पूछा, कहाँ गई लड़की? भैया ये पूछ रहे कौमुदी कहाँ है। अच्छा कौमुदी क्या, वो तो घर पर ही है। लगता है किसी प्लान से यहाँ पर आए हो। ऐसा कुछ नहीं श्रीनु, शूटिंग है ना, मेकअप किया बस उतना ही। तुम लोग यहीं पर आओ, मैं अभी आया। श्रीनु का कॉल, इसने मुझे क्यों फोन किया? भाई अभी तुम घर पर हो ना? हाँ और कहाँ रहूंगा, घर पर ही हूँ मैं। और कौमुदी? कौमुदी मेरे पास ही है, बात करवाऊँ क्या? नहीं जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नो प्रॉब्लम, लव यू ब्रदर। देखा ना मामा कैसे कवर किया मैंने? देखा मैंने। बेटा कवर ऐसे करो जैसे ऑनलाइन पैकेज में डिलीवरीज आती है। हमने फुली कवर नहीं किया क्या? बगल वाले जनरल स्टोर की तरह पेपर में कवर किया। ओहो और हमारे भाई? तुम्हारे भाई तो बिल्कुल आलू प्याज, बिल्कुल मंडी की तरह। हमारे भाई से तो हम लोग बेटर है। थैंक्स श्रीनो, रिहर्सल का टाइम हो गया, हम लोग चले। शूटिंग में मम्मी डैडी ने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, मगर ये नौकरानी ने कैमरा को आउट फोकस कर दिया जी। गजा मैं कौमुदी से तेरा ध्यान पूरी तरह से हटा दूंगा। आई मिस यू वासु, पर मैं क्या करता, तुम्हारे प्यार से ज्यादा बहन का रिवेंज जरूरी था। हे अनवर, सुबू कहाँ हो सबके सब? इन्वर्टर काम क्यों नहीं कर रहा? इन्वर्टर रिपेयर हो रहा है भाई। सुबू सुबू, हनुमान जी बजरंग बली। मेरा भांजा अंधेरे और भूत से डरता है, जब भी लाइट जाती है हनुमान चालीसा रखने लगता है। गजा कौन हो तुम? मैं हूँ गजा, मेरी आवाज नहीं पहचानी? वासु? हाँ मैं हूँ गजा। हनुमान जी रक्षा करो मेरी, रक्षा करो भाई। डर गए क्या भाई? गजा गजा भाई आवाज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसी लोक उजागर, राम दूत। ये वक्त है भगवान को याद करने का, अगर उसने याद कर लिया ना। शमशान नहीं पहुंचे ये शुक्र मनाओ। तुम सब इतने टेंशन में क्यों? कौमुदी कहाँ पर है? कौमुदी? ए श्रीनु, कौमुदी, अरे श्रीनु रोक, श्रीनु, अरे कहाँ जा रहा है? कौमुदी, अरे कोई रोक रहा है? कौमुदी, उसे मारने की क्या जरूरत थी? एक तो भूत से पहले ही फटी पड़ी है, और ये कौमुदी को ढूंढने आ गया, क्या करता भाई? तेरी तो। गजा, तुम सब ने मिलकर, तुम सब ने मिलकर मुझको क्यों मारा? Oh, my God.
मरने पर आत्मा जाती है पर प्यार नहीं जाता। मुझे वही प्यार यहाँ लेकर आया है। 7 जन्मों तक मैं गजा का पीछा नहीं छोड़ूंगी, जन्मों जन्मों तक। एनी डाउट्स? इसमें डाउट की क्या बात है? भाई के ऊपर सोल ओनरशिप सिर्फ तुम्हारी है। तो फिर बताओ तुम्हारा भाई इस घर में दूसरी लड़की क्यों लेकर आया है? ये तो गलत बात है ना? हे बताओ ये बात गलत है कि नहीं? अगर कोई दूसरी लड़की इस घर में आई तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। भाई तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। इतने दिनों बाद घर आई हूँ और कोई खातिरदारी नहीं। कॉफी चाय क्या लोगी भूतरानी? मैं क्या चाय कॉफी पीने वाली गेस्ट लगती हूँ तुझे? घोस्ट घोस्ट राइडर। तो चिल्ड ब्लड की बोतलें मंगवा दूँ? चिल्ड ब्लड पी के मत बोलना दिल मांगे मो। मेरे साथ कॉमेडी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब सब लोग वायलेंटली पिट रहे हैं मुझसे तो तू साइलेंटली पतली गली से कहाँ चला रे? भाभी माँ, मैं भाभी के साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे लाख मना करने के बाद भी भाई दूसरी औरत घर ले आए, पर हमारी बात मानता कौन, इसलिए उसे भेज दिया हमने। ओ, उसे भेज दिया तुमने? वापस भेज दिया। मेरा सर क्यों घूम रहा है? किसी ने मेरे सर पर मारा। वापस आ गया। मैं हम तुम्हें क्यों मारेंगे श्रीनु, उससे हमें क्या फायदा? जी जी, ये किसने बनाई मुझे? श्रीनु दिमाग को ठंडा रखो, यहाँ कॉमेडी एकदम सेफ है। कॉमेडी सेफ है यहाँ पर? मैंने जब पूछा नहीं तो तुमने क्यों बताया? मुझे तो अब डाउट हो रहा है, जबरदस्त डाउट हो रहा है। हमें कोई डाउट नहीं है श्रीनु, फुल क्लैरिटी है। बचा ले। मुझे धोखा दे रहा था तू, वो ऊपर है और तू बुला चली गई। देखो ना गजा, तुम्हारे लोग मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। मैं रो रही हूँ और तुम देख रहे हो, मुझे प्यार से गले लगा लो गजा। मुझे पता है गजा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम्हें चूम रही हूँ और तुम भाग रहे हो गजा। हाँ, चूमने तो उसने प्रेस किया है भाई। चुम। बाय गजा। Your dress is so nice. Your smile is so cute. तुम मेरी स्माइल की हमेशा तारीफ करती हो। इसका पागलपन बढ़ गया है। ए पिछाड़िया, हंसू तो किससे बात कर रहा है तू? बहू बेटा बात कर रहे हैं, बीच में क्यों घुसा है? कॉमन सेंस नहीं है, चलो जाओ। अरे कहाँ है बहू, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? उसकी गोदी में बैठोगे अंधे कहीं के? सॉरी बेबी, मेरा बाप थोड़ा ठरकी है, वो चीप टाइप के होते हैं ना, तुम्हें ज्यादा बुरा तो नहीं लगा ना? निकलो। आपन क्या आकर पेट भर गया, थोड़ू खाई ले प्लीज, नहीं खवाए, जा आराम कर। ओके बाय। उधर करे करे नैना। हे आप रुक जा जरा। अरे क्या हुआ? अगर बेटी इमेजिनेशन है तो उसने खीर कैसे खाई बता? असल में खीर नहीं है बल्कि ये इमेजिनेशन है, वो आपकी इमेजिनेशन में आई और इमेजिनेशन वाली खीर खाई, ये सब माया है, ये पूरी दुनिया माया है।
The pub was very nice. We enjoyed a lot. Let's play a game. In pin, safety pin, in penalty. ये खीर इमेजिनेशन है, तो टेस्ट कहाँ से आ रहा है? हाय पापा पटेल, कैसे हैं आप? नाश्ते में क्या है? तुम अभी तो आए थे ना? अभी कहाँ आया? मैं अभी आया हूँ। हाँ? बकवास करते। रुको, एक और डाउट है मुझे। बोरिंग ब्रेकफास्ट। अगर मेरी खीर इमेजिनेशन है, तो इसका टेस्ट क्यों आ रहा है मुझे? अगर इमेजिनेशन में भी आप टेस्ट कर पा रहे, फिर तो आपका क्या लेवल है? अब तो आप भी इमेजिनरी हो गए। गांडो थई जाइस। मैं इमेजिनरी कैसे हूँ? हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो, जिग्नेस ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, बेसुरा गा गा कर हम सुर में आ गए, पर इनकी हालत वैसी ही है। अगर इस इलाज का असर नहीं हो रहा है तो दूसरे पेशेंट की तरह ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कयो भेजो पेशेंट? फोटो भेजा है, जोई ले। हाँ हमना जो छू। स्वीटर एक काम करो ना, इधर एक पपी दो, अभी दो। मजा आया। अरे बाप रे, ये तो पटेल से 10 कदम आगे निकला। ए ए ए कहाँ भाग रहा है? ए, उसे कहाँ ले जा रहा है? ए, चलो, चलो। रहा। ए, 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 क्या कर रहा है अंदर? दरवाजा खोल। ए, पापा? ए, खोल। ए। दिख रही वसु, सही समय पे आई तुम। कैसी हो बेटी? तुम्हें चिंता नहीं करो, मैं खुश हूँ। देखो ना बेटी, शेनू अपने इमेजिनेशन से निकलकर मेरी इमेजिनेशन में घुसा है। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। यू डोंट वरी, मैं यूएस से 2 बॉटल्स लाया हूँ। कौमुदी, ये पिंक साड़ी वाली कौन सी? मिस बैनी, मोटी छोकरी, वसुंधरा। कौमुदी, पहले देखा नहीं इनको? यूएस में रहती है, शमशान में रहती है 6 महीने से। मैं वसु, रेस्ट इन पीस। क्या कर रहा है? यही रुकेंगे तो ये तुम्हें भी खींच लेगा। कम ऑन ए गांडा, दरवाजा खोल। ए, कहां मर गए सब लोग? है हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये गाना सुना है ना? सुना है तो गाइए ना। मेरी दोनों बेटियां अंदर है तो गाना गा रहा है। हे चॉकलेट जैसा लव तेरा, दिल मेरा ललचाए, ये दिल मेरा उड़ जाए रॉकेट सा, हाय हाय ओ हाय। Hey! पापा पटेल, किसे ढूंढ रहे हो? Hey, शर्म नहीं आती? छोटी का प्रेमी होकर बड़ी के साथ नैन मटक्का करता है? नैन मटक्का? You mean romance? तो आप मुझे वसु के साथ भी रोमांस करते हुए इमेजिन करने लगे? ऐसा क्या? वरना बताइए, मरने के बाद भी वसु आखिर मेरे साथ डांस कैसे करेगी? वैसे ये कोई उम्र है गंदे थॉट्स लाने के? मुझे और कॉमेडी को देखा चलो ठीक है, पर मुझे और वसु, हाउ कैन यू? पापा पटेल, हाउ कैन यू? शीनू मेरा लवर है ना, तो दीदी के साथ कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आई एम हॉट, वेरी हॉट। बेटी प्लीज, बेटी प्लीज, बेटी सुनो ना मेरी बात। मैं तो आपसे मिलने आई थी, पर आपने गलत सोचा। आई एम डीपली हर्ट पापा, रियली हर्ट। वसु, वसु, वसु। वैसे पापा पटेल, वसु के क्लोज आने की मेरी विश तो क्लास 9 से ही थी, आपने इमेजिन किया, मेरा वो विश भी पूरा कर दिया। आई एम सो हैप्पी। वसु को तुम जानते थे? She is my ex lover. और कौमुदी को? She is my current lover. मतलब तुम्हें lovers supply करने के लिए मैंने बेटियां पैदा की? समाज सेवा करने का ये अच्छा तरीका है। बॉस को पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। हाँ क्यों है भाई इतना फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि आपके लाइफ में नहीं है रिलैक्सेशन, इसीलिए पूरे शहर भर घूमकर दरिया में गोते लगाकर ले आया सबसे खूबसूरत नगीना। किसे लाए? चमेली, चार्मिंग चमेली को। आग लगा देगी। अब क्यों मारा? एक औरत के घर में आने से वसुंधरा की मेरी लाइफ में री एंट्री हो गई, फिर ये चार्मिंग चमेली को क्यों लाया? शाना कवा हूँ, घर पर नहीं होटल ले गया उसे। इतनी डरावनी हंसी है तुम्हारी मामा, मैं तो डर ही गया। इस चिकनी चमेली के साथ तू बिना डरे मजे ले भांजे, क्योंकि मैंने वसुंधरा के इलाज का बंदोबस्त कर लिया है। सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन? कादरा एक मशहूर भूत पकड़ने वाला तांत्रिक है, भूत प्रेतों का उसके नाम से निकलता है सुसु, वही करेगा कंट्रोल आपकी वासु। नाम क्या था? जिंदा थी तो वसुंधरा, मरने के बाद का पता नहीं। सीधे सवाल का सीधे जवाब दे, ज्यादा ओवर एक्टिंग करेगा तो मैं चला।
ये तो जिंदा लाश लग रहा है। कौन है ये लंबू बांस? रेस्पेक्ट, वरना मैं ये चला। तांत्रिक साहब, आप अपने गुस्से को काबू रखिए और इस घर से भूत को निकालिए। तो फिर तुम रंगली बनाओ। कौन मैं? और कौन? तुमने लड़की को फंसा कर मरने पे मजबूर किया, इसलिए आत्मा ने तुम्हें ही टारगेट बनाया, तो तुम ही बनाओगे। भूतो, प्रेतो, सुन रही हो? मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा? भूतनी भाभी आ जाओ। भूतनी भाभी, ये क्या है? अरे ये क्या, पेड़ तो हिल रहा है तांत्रिक जी। ये पेड़ नहीं है, डहाणी है, इसको यहाँ पर बुला। ये क्या हो रहा है? भूतनी भाभी बाहर आओ। भूतनी भाभी बाहर आओ। धत बेवकूफो, उधर बोलो। भूतनी भाभी बाहर आओ। डहाणी आ, काशी जा शीघ्र। अरे बाप रे, ये तो फीमेल डायन नहीं, ये तो मेल डायना है। इस मेल के अंदर ही फीमेल है। मेल है या फीमेल? कंफ्यूज मत हो, आत्मा इसके अंदर है। यू मीन ट्रांसजेंडर? अरे जेंडर को छोड़ो, भूतनी बाहर निकालो। फटफटा फटफटा ओम क्लीम हाजिरा। फटफटा फटफटा ओम क्लीम हाजिरा हाजिरा। इस मेल के अंदर बेटी फीमेल को बाहर खींच के नींबू में डालकर बोतल में बंद करके बोतल को शमशान में गाड़ दूंगा मैं। उसके बाद इस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, यही चाहते थे ना? मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे इससे बचा लो। फटफटा। ये आत्मा मेरी बात कैसे मान रही है? तूने कुछ सेटिंग की है क्या? सिगरेट पीने के पैसे नहीं है, आत्मा से सेटिंग करो। अभी ये कोई मामूली एक्टर नहीं लग रहा है मुझे। एनएसडी का है। किस्मत अच्छी है, अपनी पेमेंट बढ़ा दे। जरूर, क्यों नहीं। ओम क्लीम, बिड़ी लो, पाना लो, मुड़ी लो। अरे मामा मार लो, लेकिन पैसा टाइम पे दे देना। महावीर जी, ये भौतिक लड़ाई रुकाने के लिए व्हाट डू यू वांट? आई वांट चमेली। चमेली? वसुंधरा चमेली का क्या करेगी भला? ये जो चाहती है इसे लाके दो मामा। अगर हम सबको अब इससे छुटकारा चाहिए तो इसके लिए चार्मिंग चमेली को लाना होगा। ए सुलस्मिता जैसी है मेरी जवानी, रूप मेरा मस्ताना, मैं हूँ क्यूटी। करीना करीना सनी लियोनी, इनसे भी सुपर है मेरी ब्यूटी। जाने मन तू है आशिकी, डूबा डूबा हूँ मैं तो लव में तेरे। मैं दिल रूपा, मैं दिल नशी, कातिल है ये जनवे मेरे। ओ गोरी तू लाखों में एक है, ये अदा तेरी दिल लूट ले। स्माइल स्टाइल मस्त है तेरा, दिल पे मेरे जादू चला दे। रंभा उर्वशी में जैसी मैं अब सरा।
रंभा उर्वशी मेनका, इनके ही जैसी तो अप्सरा। ये कुछ भी कर सकती है। ये कुछ भी कर सकती है। तुझे तो करंट सा लगे, इश्क तेरा ये डेंजर सा लगे। इश्क में मेरे कितने पागल हुए, नैनों के बार से सब घायल हुए। इश्क में तेरे दीवाना सा हो गया हूँ, हर पल ही आहे मैं भरता हूँ। ना टूटे कभी हुस्न का मेरे ये जाल, हर तरफ ही मैं फेमस हूँ। रंभा उर्वशी मैंने जैसी मैं अप्सरा, हाँ, हाँ। रंभा उर्वशी मेनका, इनके ही जैसी तो अप्सरा। भाभी से पिटने के बाद ये नारियल पानी पी के इतनी शांति मिल रही है। भाई श्रीनु और कौमदी बाइक पे अंदर जा रहे हैं। हाँ श्रीनु, रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। हेलो ब्रदर्स, किसे ढूंढ रहे हो? तुमको और कौमदी को अंदर आते देखा हमने। मतलब कौमदी तुम्हारे घर में नहीं है? तुम्हारी दोस्ती के भरोसे मैंने कौमदी को तुम्हारे घर पर रखा और तुमने, बताओ कहाँ है मेरी कौमदी? कौमदी कहाँ है? कौमदी, हेलो श्रीनु, मेरे डैड 2 दिन पहले मुझे गजा के घर से ले आए और कमरे में बंद कर रखा है। मुझे ले जाओ प्लीज श्रीनु। चिकनेश पटेल कौमुदी को 2 दिन पहले ले गया और तुम लोग कहाँ पर थे? घास काट रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो श्रीनु, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे। चलो, ऑल द बेस्ट। आज सुबह वसुंधरा मेरी डायबिटीज की मेडिसिन ले आई और कौमुदी ने पानी पिलाया। इमेजिनेशन मानकर यह हाल है तो हकीकत जानकर कितने खुश होंगे। कौमुदी, ए जाओ जाकर ढूंढो उसे। ए ए ए ए ए क्या छे, क्या छे मारी कौमुदी? ये क्या हो रहा है भाई, जो भी आ रहा है आप ही का कॉलर पकड़ लेता है। अपनी बेटी को घर में छुपा कर अब ड्रामा कर रहा है। आओ मेरे साथ। ए मोटिया, ए पकिया, चल अंदर। कौमुदी यहाँ पर है? गांडो थई गयो जे। डैडी के प्रेम में यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट करती है और भाई के प्रेम में वहाँ नाइट शिफ्ट करती है। ये डबल शिफ्ट करती है भूतनी भाभी। बिरयानी खाओगे? कोई जरूरत नहीं भाभी, कल रात भर पेट मार खाया। हाँ तो फिर नाइट में मिलते हैं, अब चलते हैं। ए, 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 गलत जगह खोज रहे हो तुम लोग, ऊपर रूम में देखो, चलो हमारे साथ। ये रही, देखो। अरे बेटा, तुम्हें किडनैप करके ये तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया है। ये मंद बुद्धि शीनू को अपना दोस्त कहता है। मैं किससे बात कर रहा हूँ यह सोचकर बावला हो गया है बेचारा। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है, अकल नो ओथमीर छे। इस पागल में तेरी बहन को क्या अच्छा दिखा? ए लेकर आओ उसे। हाँ जाओ। अरे सुनो, पहले मेरी बेटी को ले गए, अब उसके इमेजिनेशन को भी ले जा रहे हो। अरे इनको ले जाने दो अंकल, कौमुदी हमेशा मेरे पास रहेगी और मेरी कौमुदी आपकी भी रहेगी। ये एप्पल आधा उसी ने खाया है। क्यों? ये कौन है भाई? ये तो पटेल से भी ज्यादा मेंटल लग रहा। ओके, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। पटेल को बोलिए थप्पड़ इमेजिनेशन नहीं रियलिटी है। चल। अरे बेटा नहीं जा, जिग्नेश भाई वो अपनी दिक्री ने लेके जा रहे हैं। खाली इमेजिनेशन छे, वो लौट आएगी। कैसे लौट आएगी, वो रियलिटी में लेके जा रहे हैं। हे हां, वो तुझे भी दिखती है क्या? हे
मेरी बेटी तुझे भी दिखती है? जिग्नेश भाई एवं छे क्या? उस श्रीनु की वजह से हमने झूठ बोला कि बेटी आपकी इमेजिनेशन है, पर वो इमेजिनेशन में नहीं असल में थी। पापा पटेल, क्या हुआ आपको? Everything okay, right? तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर ड्रामा किया ना? छोड़ दीजिए इसे। तुम मेरी इमेजिनेशन हो, तुम नहीं जानती। मैं इमेजिनेशन नहीं हूँ, रियलिटी हूँ। जिंदा और आपके सामने खड़ी हूँ। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ श्रीनु की वजह से। 14 साल पहले कुछ दिनों के लिए हम मिले थे, तब वो मुझसे प्यार करने लगा था और मेरी खातिर अपनी लव और लाइफ दांव पर लगा दी, जबकि मैंने इसके प्यार को ठुकराया था। ये बहुत नेक दिल है। इसके प्यार में कोई कंडीशन या कैलकुलेशन नहीं, वो सिर्फ प्यार बांटना जानता है, किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता। दुश्मनी निभाते निभाते आपने अपनी एक बेटी खोई, और उसी दुश्मनी के चक्कर में दूसरी को भी खो देंगे? मैं अपना घर सच्चे प्यार के लिए छोड़कर गई थी, पर शायद आप ये कभी नहीं समझ पाए पापा। मैं सच में समझ नहीं पाया, जिस लड़की ने तुम्हारा प्यार ठुकराया, जिस आदमी के गुंडों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, उनके लिए इतना सब कुछ? ये डर कुछ पलों के लिए होता है, गुस्सा कुछ घंटों के लिए, दर्द शायद कुछ दिनों के लिए, पर सिर्फ प्यार, प्यार ही पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। प्यार कोई पास और फेल वाला एग्जाम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें जिंदगी भर खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बहुत मुश्किल होता है किसी अपने को खोकर उसकी यादों में जीना, इसी दर्द का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। मेरे डर से सब मेरी बातों को सही कहते रहे, ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे बोलता कि आप गलत कर रहे हो या ठीक नहीं है। कोई तो होता मेरी गलतियों को बताने वाला, पता नहीं कैसे प्रायश्चित करूं। गलती मानना ही उसे सुधारने की पहली कोशिश है। अब बताओ मुझे क्या करना है? तू जे पण कैसे है करीश, वसु की शादी गजा से करवा दीजिए, उसके साथ जो गलत हुआ है वो इसी तरह सही हो सकता है। मैं उसके पैर धोकर अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ, पड़े कबूल करशे? गजा को मनाने का काम मेरा है। धत्तेरी की, इस घर में किसी की इमेजिनेशन भी सेफ नहीं है। कोई अंकल की इमेजिनेशन ले गया, अगर कोई मेरी इमेजिनेशन ले गया तो मेरा क्या हाल होगा? I can't tolerate this. I'm going with my family along with my imagination. तुम मेरे साथ सेफ हो स्वीटा। थोड़ा दूर रहो ना। चले चलो ना, आराम से बैठो। सेफ्टी, हम बैठ गए। ओके चलो। पता नहीं इन्हों की इमेजिनेशन की गाड़ी कहाँ तक जाने वाली है, इनके लिए तो नया ट्रैफिक रूल निकलना पड़ेगा। हे गजा। हेलो श्रीनु, फौरन मेरे पास आओ। पकड़ो इसका हाथ, पकड़ो। तुम्हारी कॉमेडी तुम्हें वापस देता हूँ, लेकर जाओ इसे। इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी तो एक दिन बाकी है। मुझे पहले करना चाहिए था, जब कौमुदी ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो जिग्नेश पटेल के घर पर है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कौमुदी के साथ मैं शादी कर लेता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे बताया। इसका मतलब आंख मूंद कर तुमने मुझ पर भरोसा किया और दोस्ती ने भाई, उसी दोस्ती के नाते एक एहसान और करना होगा। तुम ऑर्डर दो भाई। देख लिया, श्रीनु की बातों में आकर गजा रिवेंज लेना भूल गया है, तो कुछ ऐसा कर कि रिवेंज रिचार्ज हो जाए। फोन? क्या हुआ ब्रो? वसुंधरा की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। वसु, यू मीन कौमुदी की बहन? भूत? हॉरर फिल्म्स देखनी बंद करो ब्रो, सब सेट हो जाएगा। कोई हॉरर फिल्म नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके मुझे परेशान कर रही है। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भला इंसान और भूत की शादी हो सकती है क्या? अगर तेरी शादी होगी
तो सिर्फ मुझसे होगी। तुम्हारे भूत से शादी कर लो तो तुम चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी, पर ये शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सारे रिश्तेदार, खाना पीना होना चाहिए, बैंड बाजा और बारात होनी चाहिए। शादी के मंडप में वेद मंत्र पढ़े जाने चाहिए। मुझे ऐसी शादी चाहिए गजा, तभी मुझे शांति मिलेगी। हे, क्या हुआ ब्रो, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे? वसुंधरा आई थी। अरे क्या बकवास है, मैं नहीं मानता। वसुंधरा कहां से आ गई? मैं बताता हूँ, ये देखो। अब तो यकीन हो गया ना कि वो तुम नहीं हो जिसने ये किया। वासु की आत्मा ने तुमसे ये सब करवाया। तुम्हें ये समझ आया? बाल बाल बच गया। मतलब वसु सच में अंदर आई थी, धागा बंधवा के जान बचानी होगी, वरना मरा मैं तो मारा हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वासु पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या है? वासु के भूत से मुझे शादी करनी होगी। भूतनी के साथ शादी भाई। लेट वसुंधरा वेट्स गजा। अपनी शादी में दुल्हन लेट, ये अच्छी बात नहीं। लेट मतलब लेट आने वाली नहीं, ये ऑलरेडी मर चुकी है। अरे कहीं भूत के साथ शादी होती है क्या? अरे होती नहीं, हो रही है भाई। सुहाग रात का आनंद कैसे लेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? इसी बात का तो टेंशन है। भूतनी भाभी से जो बच्चे होंगे वो भूत ही होंगे। अच्छा सुनो, सबके ब्लूटूथ ऑन रहने चाहिए। जैसा कहूं वैसे ही करना। ऑल सेट फॉर एक्शन। श्रीनु हम सब अलर्ट हैं। सबके ऊपर नजर है ना तेरी? घबरा मत, पूरा चौकन्ना हूं मैं। ओके श्रीनु, मैं ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रत्ती भर डाउट ना हो। किसी भी हालत में गजा और उसके गैंग को पता नहीं चलना चाहिए कि वो सुभूत नहीं है, समझे तुम लोग? अच्छा, उस मामा ने मेरे ब्लूटूथ में सब सुन लिया है, उसे उठा लूं क्या? तेरे अकेले की परफॉर्मेंस कम पड़ेगी। वो शादी रोकने की कोशिश करेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो संभाल लेना। डोंट फियर, तांडू इज हियर। कहाँ है? कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं। डर लग रहा है श्रीनु, किसी को धोखा देकर शादी करना गलत बात है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो पुरानी गलती सुधार रहे हैं। पहले शादी हो जाने दो, बाद में संभाल लेंगे। ये वीडियो वायरल और श्रीनु का हिसाब फाइनल। ये कर क्या रहा है? अरे बाप रे, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो श्रीनु का अकाउंट क्या लाइफ भी हैक हो जाएगी। भांजे, मामा मामा, मेरी माँ बहुत सीरियस है, आपके फोन से कॉल करना है। तू श्रीनु के गैंग का है? मामा मामा, मैं श्रीनु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे। यहाँ पर सेफ रहेगा। बड़ी 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 समबडी? नो। तो फिर कबड्डी? नो डूड। तो क्या है ये बड़ी? एवरीबॉडी पीछे तो देखो। पीछे क्यों देखूं मैं? कबड्डी 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 बड़ी बड़ी कबड्डी 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 कबड्डी। कितना भी ढूंढ लो सेल फोन नहीं मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ कन्या को जल्दी बुलाइए। पता नहीं कन्या कहाँ है और वो कैसे आएगी। भाई एक बार भूतनी भाभी को बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, भाई एक बार प्यार से बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा, लगता है कुछ भयानक होने वाला है। अपने अंदर के प्यार को जगाओ भाई, उसे प्यार से बुलाओ, प्यार से। वसुंधरा, जल्दी बंद करो। सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी शादी हो, यही वासु की आखिरी इच्छा थी। अगर बाहर जाने की कोशिश की तो उसका गला काट दिया जाएगा। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, मंगल सूत्र दीजिए। जल्दी पहना दीजिए। भाई उधर नहीं, इधर इधर।
मंगलसूत्र पहना दूं? पहना दो भाई। बहुत हो गया तुम्हारा भूत वाला छुपन छुपाई का खेल। गजा भाई डरने की ओवर एक्टिंग करके थक गया है। अब शुरू होगी गजा भाई की दहशत। तू बस देख के जा। मेरे चौकटे पर बेवकूफ लिखा है। मैं तेरी तरह साजिश नहीं रचता हूँ, सीधे काट डालता हूँ। ए, है ना टक्कर की परफॉर्मेंस। हैरानी हो रही है कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया। डर लग रहा है श्रीनु। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब संभाल लेंगे। धोखेबाज। क्या सोचा दोस्ती के नाम पर 20 साल की इंतकाम की आग को भूलकर कौमुदी तुझे सौंप दूंगा। ए पटेल, अब देख मैं तेरी बेटियों को कैसे मारता हूँ। तुम्हारा गुनेगार मैं हूँ, मुझे सजा दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अपने बच्चों की मौत को सामने देखकर तेरी आंखों में खौफ दिख रहा है। मेरी आंखों में खौफ? ए, अहमदाबाद का राजा हूँ मैं और तू राजकोट को अपनी जागीर समझकर छाती फुलाकर घूमता है। पर ये आया और इसने हमारे साथ खेल खेला, लेकिन शेर शेर है ये। ये सिर्फ दामाद नहीं है मेरा, कवच छह मारू, तेरे और मेरी बेटी के बीच दीवार है ये, तुझे टच भी नहीं करने देगा। जब से मैंने इसे अपना दामाद माना है, अपनी बेटियों की फिक्र करनी छोड़ दी है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तूफान है। तूफान है। अब मैं आराम से बैठूंगा, तू अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार हो जा। आई एम रिलैक्स्ड। जमाईराज, ये तुम्हारी एक्स लवर को मारना चाहता है। तुम्हारी लवर को मारना चाहता है। आने जरा पाठ बनाओ। मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो इतना मारूंगा कि जमीन पर गिर जाएगा। अगर मेरी एक्स लवर की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो मार मार के जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतने सारे ड्रामे किए,
और अब तुम अपने प्यार को ही मारने जा रही हो। इसे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? तुम दोनों की शादी करवाने के मेरे वादे का क्या होता? जिस लड़की ने इसे रिजेक्ट किया उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, तो उसके लिए तुम अपना रिवेंज नहीं भूल सकते जो तुम्हें इतना प्यार करती है। प्यार के लिए तुमने भाई अपनी बहन को भी खो दिया, अब तुम बदले के लिए वसुंधरा को भी खोना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए तो ये सब किया। कम से कम मेरे प्यार को तो उसका अपना प्यार मिल जाए। तुम्हें दोस्त मानकर तुम्हारी लाइफ बदलनी चाहिए। हाँ, मैंने तुमसे चीटिंग जरूर की, पर तुम्हारे भले के लिए। सिर्फ भला ही नहीं, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। जान बचाकर मेरे इंतकाम को खत्म कर दिया। तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। या मैं इनसोल। बदनानी लाइफ ने गाड़ी ने पाटा पर चढ़ा भी चढ़ाने, सबको लगता है कि ऐसा दामाद हर घर में होना चाहिए, तो मेरे दामाद के बारे में क्या कहोगे साहब? लाख में एक, लाख में एक। मैं हूँ जकास, ये जोड़ी जकास, हम दोनों।